सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म गुप्त के बारे में। तो दोस्तों, गुप्त फिल्म कौन सी और आपको कहां पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी गुप्त फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करेंगे, बतलाएंगे इस फिल्म ने 1997 में इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस में कितनी कमाई की थी, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए थे और इस फिल्म में काम करने वाले मुख्य स्टार कास्ट को कितने पैसे दिए गए थे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम बतलाएंगे कि ये फिल्म आपको कहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी के आज की इस मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं गुप्त फिल्म के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें फ्रेंड्स, इस फिल्म को 4 जून 1997 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छी रिस्पॉन्स देखने को मिली थी। इसी के साथ दोस्तों, बात कर ले इस फिल्म की रनिंग टाइम के बारे में, तो ये फिल्म 174 मिनट की बनाई गई थी। और साथ ही साथ दोस्तों, हम बात कर ले गुप्त मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बता दें दोस्तों, गुप्त फिल्म को बनाने में 9.50 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और इसी एक साथ दोस्तों, बात कर ले इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने 33 करोड़ से आधे की कमाई किया था और ये फिल्म साल 1997 की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों, फिल्म के अंदर बॉबी देओल, मनीषा कोइराला, काजोल एंड ओमपुरी फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। साथ ही दोस्तों, बात कर ले फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, तो फिल्म को राजीव राय सर ने डायरेक्ट किया। और इस फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की कहानी भी राजीव राय सर ने ही लिखा। और बात कर ले फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में, तो गुलशन राय एंड राजीव राय ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किया था और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1997 को सिनेमाघरों में और मूवी ने 33 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये फिल्म साल 1997 की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों, बात कर ले बॉबी देओल के बारे में, तो फिल्म में साहिल सिन्हा के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ बात कर ले मनीषा कोइराला के बारे में, तो शीतल चौधरी के रूप में फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई है। और दोस्तों, इसी के साथ फिल्म की लीड लेडी काजोल के बारे में हम बात कर ले तो ईशा दीवान के रूप में फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों, फिल्म के सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में ओमपुरी, राजबब्बर एंड परेश रावल नजर आए हुए थे फिल्म में अभिनय करते हुए। जी हाँ दोस्तों, बता दें फ्रेंड्स, ये मूवी साल 1997 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ मनीषा कोइराला, काजोल और ओमपुरी, राजबब्बर और कुणाल भूषण खरबंदा के साथ मुख्य भूमिकाओं में फिल्म को बनाया गया था। विस्तारित कैमियो के बारे में हम बात कर ले तो त्रिमूर्ति फिल्म के बैनर के तले वितरित किया गया था फिल्म को और इसमें हास्य भूमिकाओं में परेश रावल एंड दिलीप ताहिल, प्रेम चोपड़ा और साथ ही साथ दोस्तों, फिल्म में सदाशिव अमरा पुरकर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। बता दें दोस्तों, फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है काजोल से, क्योंकि काजोल इस फिल्म के अंदर विलन के रूप में अभिनय करती हुई नजर आई थी। मुकेश ऋषि और प्रिया तेंदुलकर भी इस फिल्म में नजर आए थे। फिल्म के साउंड ट्रैक के बारे में हम बात कर ले तो बिजू
अनुसार धारा फिल्म के साउंड को तैयार किया गया था और इसे हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ थ्रिलर फिल्मों में से एक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, रिलीज होने पर गुप्त फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को बिहाइंड बोर्ड ने इस मूवी को 7.5 स्टार की रेटिंग दी और लिखा, ये स्टाइलिश सिनेमेटोग्राफी एंड खूबसूरत जो है लोकेशन के साथ और बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ फिल्म को बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी थ्रिलर फिल्मों की शैली में आती है, जहाँ इसके किसी भी खेत की तुलना में काफ़ी बेहतरीन मूवी है। और पूर्ववर्तियों के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म के निर्देशक राजीव राय इस विषय से अधिक जो है भयभीत नहीं है और इसलिए पूरी बातों को एक होश पोश नहीं बनाते हैं। यहाँ दोस्तों, फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की कहानी मोहम्मद अली इकरान ने रहस्य और संगीत की प्रशंसा की थी मूवीज की कहानी के लिए और गुप्त फिल्म को 4 जुलाई 1997 को भारत में 250 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और दोस्तों, रिलीज करने के बाद फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिला। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले मूवी की पहले दिन की कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने पहले दिन 9.6 मिलियन से अधिक की कमाई किया और फिल्म ने पूरे एक हफ्ते के अंदर 27.8 मिलियन से अधिक की कमाई कर ली थी। इसी तरह दोस्तों, इस फिल्म ने पहले महीने में 53.45 करोड़ से अधिक की मिलियन से अधिक की कमाई कर लिया था और फिल्म की अब तक की टोटल कलेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों, फिल्म ने 33 करोड़ से अधिक की कमाई किया। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी जो दिल तो पागल है मूवी एंड बॉर्डर और परदेश के बाद साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों बात कर ले फिल्म की कहानी के बारे में तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर इस फिल्म को देखे हैं तो आपको कहानी तो पता ही होगा। चलिए दोस्तों, फिर भी मैं आप लोग को इस मूवीज की कहानी को सुना देता हूँ। दोस्तों, गुप्त द हिडन ट्रूथ फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है राज्यपाल जय सिन्हा से। एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे, वह प्रभावशाली उद्योगपति मेघनाथ चौधरी और समाजवादी पार्टी के नेता है। बिलासराव और मंत्री जी द्वारा ली गई बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जय सिन्हा का सौतेला बेटा साहिल एक अनशक लड़का है, आसानी से जाने वाला युवक है जो शराब पीता है और अपनी बाप की बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। जय सिन्हा की निजी सचिव ईश्वर दीवान की बेटी जो साहिल से पहले से ही प्यार करती थी, ईशा साहिल के प्यार में पड़ जाती है, जिसके साथ वह लंबे समय के बाद फिर से मिल जाती है क्योंकि ईशा को पिछले दिनों बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। उन्हें बोर्डिंग स्कूल से वापस आने के बाद जब ईशा बोर्डिंग स्कूल से वापस आती है तो वो साहिल से सबसे पहले मिलती है और दोनों का प्यार आगे बढ़ने लग जाता है। ये सब देख मेघनाथ की बेटी शीतल भी साहिल से प्यार करती है, लेकिन साहिल उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानता है। जय सिन्हा ने शीतल को साहिल की सगाई की घोषणा कर दी एक पार्टी में, इससे दोनों के बीच बहस होती है। दोनों बाप बेटाओं के बीच बहस हुई, साहिल ईशा के लिए अपने प्यार की घोषणा करता है जो असहमत है। इस बात से गुस्से में आकर साहिल जय सिन्हा को चाकू मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन साहिल की माँ शारदा उसे रोक देती है। अगले दिन साहिल सिन्हा के परिवार के डॉक्टर गांधी के घर पर नशे में धुत साहिल वहां पर रहता है और शराब पीता है, जो साहिल को शीतल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की सलाह देते हैं डॉक्टर गांधी, और ये तर्क देते हुए कि साहिल उसके साथ एक खुशहाल जीवन जिएगा। एक शराबी और अभी भी आर्डिक साहिल घर पर लौटता है। शराब के नशे में धुत होकर जब घर पर लौटता है तो अपने सदमे से पता चलता है कि किसी ने सिन्हा को चाकू मार दिया है। जब साहिल अपने पिता को देखता है तो पहले से ही उसे किसी ने चाकू मार दिया था। इससे पहले कि सिन्हा हत्यारे के नाम का खुलासा कर सके वह मर जाते हैं। जब शारदा आती है तो साहिल को अपने मृत सौतेले पिता के पास चाकू पकड़े हुए पाती है और उसे लगता है कि साहिल ने ही अपने पिता का हत्या कर दिया है। उसे हत्यारा मान लेती है, साहिल को गिरफ्तार करवा दिया जाता है और अदालत ले जाया जाता है, जहाँ उसके कई परिचित और शारदा उसके खिलाफ गवाही देती है। यहाँ तक कि साहिल की माँ भी उसी के खिलाफ गवाही देती है। साहिल को दोषी पाया गया और उसे 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। साहिल को जेल ले जाने से ठीक पहले वह शीतल को एक हार सौंपता है, जिसका अर्थ यह है कि इसे हत्यारे द्वारा घटनास्थल पर छोड़ दिया गया था और ये उसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है। वह उसे यह भी बताता है कि उसने किसी भी कीमत पर असली हत्यारों को खोजने का फैसला किया है। मनी मन आखिरकार उसे सिन्हा के प्यार का एहसास होता है। दोस्तों, जब जेल में चला जाता है बॉबी देओल तो उसको अपने पिता का प्यार का एहसास होता है, क्योंकि गुप्त फिल्म की कहानी कुछ ऐसे ही लिखी गई है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से फिल्म को काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला और ये मूवी बॉबी देओल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है।
दोस्तों जेल में साहिल अपनी कहानी एक पुराने कैदी को बताता है जो उसे निर्दोष मानते हैं। कैदी साहिल को बताते हैं कि जेल में केवल एक ही भागने का गुप्त रास्ता है, एक सीवेंज गटर पाइप है जिसे जेल से बाहर निकला जा सकता है। गटर पाइप के जरिए बाहर से जेल से बाहर निकला जा सकता था और इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अपरायुक्त कक्ष में स्थित और फ्लोर्स के साथ जो शौचालय से पहुँचा जा सकता है समुद्र के जरिए। अब साहिल को किसी भी तरह वहां गुप्त स्थल में जाने की जरूरत पड़ती है। साहिल दो अन्य कैदियों के साथ समस्या पैदा करता है जानबूझकर, जिससे जेलर उन्हें कक्ष में कैद कर देते हैं। तीनों को काल कोठी में बंद कर दिया जाता है। तो बॉबी डोल उन दो कैदियों को समझाता है कि यहां से भागने का एक ही रास्ता है, टॉयलेट के जरिए जो है बाहर वो लोग जा सकते थे। टॉयलेट के जो गटर पाइप है उसी के जरिए बाहर निकला जा सकता है, बॉबी डोल समझाता है। तो दो कैदी खुश हो जाता है और दोनों काम पे लग जाते हैं। तीनों शीतल धारा एक नाव की व्यवस्था किए जाने के बाद नाव के साथ समुद्र के रास्ते जेल से भागने में सफल हो जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, पुलिस आयुक्त जो है पाटवर्धन साहिल की फिर से गिरफ्तारी के मामले को संभालने के लिए एक ईमानदार पुलिस अधिकारी उधम सिंह को नियुक्त करते हैं, जहाँ साहिल चुपके से ईशा से उसके घर पर मिलने जाता है, जहाँ वह डॉक्टर गांधी को सलाह के लिए बुलाता है और डॉक्टर गांधी साहिल को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। साहिल डॉक्टर के घर पहुंचते हैं और ये देखकर चौंक जाते हैं कि किसी ने डॉक्टर गांधी को चाकू मार दिया और डॉक्टर गांधी का नौकर साहिल को मेरे डॉक्टर के पास पा लेता है और ये चिल्लाता है और उसे भागने के लिए मजबूर करता है। डॉक्टर गांधी का नौकर साहिल को पुलिस को रिपोर्ट करता है कि साहिल ने ही मेरे मालिक का हत्या किया। उधम सिंह शीतल से पूछताछ करने के लिए उसे घर पर पहुँचता है। इसके साथ साहिल अभी भी अच्छे संबंध रखता है। शीतल ने कबूल किया कि उसने पिछले रात साहिल के साथ बिताई थी और उसे जेल से भागने में भी मदद की थी और सिंह इन गलत कामों के लिए भी शीतल को गिरफ्तार नहीं करता है। और इसके अलावा आंशिक रूप से, क्योंकि वह साहिल को पकड़ने पर अत्यधिक जो है ध्यान केंद्रित करता है और आंशिक रूप से मेघनाथ के प्रभाव और धन के कारण जो उसे छोड़ देता है। अब दो हत्याओं का आरोप साहिल के ऊपर लग गया। साहिल का हत्यारे को देखने के लिए और खोजने का संकल्प और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साहिल अपने आप में और भी ज्यादा मजबूत हो गया क्योंकि उसके ऊपर दो खून का इल्जाम लग गया। मजबूत हो जाता है कैदियों को पकड़ने के लिए अधिक तवा। वो सबसे पहले थाना वाला पर शक करता है क्योंकि थाना वाले के पास सिन्हा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और संपत्ति का एक हिस्सा उसको भी मिला जा सकता था। इसके अलावा संपत्ति के लत में हो सकता है कि उसने मार दिया हो, तो साहिल को उस पर शक हुआ और उसके बाद साहिल उसके पास पूछताछ करने के लिए पहुंचता है। बहुत अच्छा मौका था क्योंकि बरसते साहिल जो है तस्वीर से बाहर हो गया था और थाना वाले के कार्यालय में प्रवेश करता है और उससे बेरहमी से पूछताछ करता है और उसे खिड़की से दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देता है। थाना वाले को दूसरे मंजिल से फेंकने के बाद अपने कार्यालय से बाहर निकाल देता है। थाना वाले ने खुलासा किया कि जब उन्होंने शुरू में सिन्हा की संपत्ति और उसके दौलत अपने हिस्से को हड़पने का इरादा किया तो उन्होंने हत्या नहीं की। साहिल फिर चौधरी से पूछताछ करने के लिए जाता है, जिस पर उसे धोखेधारी का व्यापार और इसके अलावा जो है प्रथाओं में शामिल होने का कारण संदेह है कि सिन्हा ने समर्थन नहीं किया, लेकिन चौधरी ने भी बेगुनाही का दावा किया और साहिल ने चौधरी के भाई को बेरहमी से पीटा क्योंकि वह छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा था और उसे पकड़ लेता है। इसके अलावा आपको बता दें, अगला बिलास राव है क्योंकि बिलास राव के पास वो पूछने के लिए पहुंचता जब भ्रष्ट समाजवादी संघ के नेता है जिनके चौधरी और सिन्हा के साथ जो है तनावपूर्ण संबंध पहले से ही थे, जिन्हें मंत्री जी पर उंगली उठाने से पहले साहिल ने पीटा था और ये आरोप लगाते हुए कि सिन्हा की हत्या एक राजनीतिक हत्या थी। साहिल और शीतल मंत्री जी को एक समारोह में शामिल होने के लिए बरगलाते हैं और उसको बुलाते हैं जहाँ पर उनका अपहरण कर लिया जाता है। उधम सिंह भी वहाँ मौजूद होता है और उसे पता चलता है कि साहिल अपने मजबूत संकल्प को देखकर असली हत्यारा नहीं है। साहिल की बहादुरी को देखकर उधम सिंह को ये शक हो जाता है कि साहिल असली हत्यारा नहीं है और उसे मंत्री जी को ले जाने देता है। उधम सिंह ने आगे की जाँच की और पाया कि हत्याएं एक ही निर्माण और आकार के दो चाकू से की गई है और ये दर्शाता है कि वह एक सेठ से संबंधित हो सकता है। वहीं पे ईश्वर दीवान के घर वो पहुंच जाते हैं छानबीन करने के लिए, जहाँ पे चाकू के साथ चाकू का सेठ पाया जाता है और दीवान को गिरफ्तार किया जाता है उसके घर पे, जो सिन्हा और डॉक्टर गांधी की हत्या को कबूल करता है। दीवान ने सिन्हा की हत्या करने का खुलासा किया क्योंकि उसने ईशा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था, जिसकी वजह से ईशा के पिता ने उसका कत्ल कर दिया और पहले अपराध को छिपाने के लिए डॉक्टर गांधी की हत्या
कर दी क्योंकि बाद वाले को अपने असली इरादों का एहसास हो गया था। उसी समय साहिल अपने और उनके साथ जो है उबाल कर मंत्री जी से पूछताछ करता है। पानी उबाल कर उसके ऊपर बैठा कर मंत्री से पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच शीतल आती है और उसे बताती है कि हत्यारा ईश्वर दीवान है और साहिल मंत्री जी को छोड़ देता है। हालांकि ईशा चौंक जाती है ये जानकर और शीतल पर हमला करने की कोशिश करती है और बाद में अपने पिता से मिलने जाती है। साहिल आखिरकार निर्दोष घोषित होता है। निर्दोष घोषित होने के बाद घर लौटता है और अपनी माँ और सौतेले भाई के साथ सुलह कर लेता है। साहिल अपने सौतेले भाई हर्ष को वह हार देता है जो उसने पहले अपराध स्थल पर पाया था, क्योंकि इस हार की जो है यानी कि कोई भी जरूरत नहीं है और प्रकृति अभी भी अज्ञात है, क्योंकि साहिल को ये एहसास नहीं था कि इसे खोला जा सकता है और किसी भी संधिगढ़ ने इसे पहचाना नहीं था। हर्ष एक पेचकस के साथ हार खोल देता है और साहिल को दिखाता है जो अंदर उसकी और ईशा की तस्वीर पाता है। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई की ओर ले जाता है और ईशा असली हत्यारा है। इसी बीच जो है ईशा को गिरफ्तार कर दिया जाता है। बॉबी देओल को ये पता चल जाता है कि ईशा उधम सिंह के घर में और इसके साथ प्रवेश करती है जो उसे नहीं देखता क्योंकि वह एक पार्टी के बाद नशे में था, जिसे उसने मामले को सुलझाने की सफलता के बाद जो है सफलता के लिए फेंक दिया था और वह उसे कई बार जो छुरा घोपती है और पांडू और उनके साथ जो नीलकांड भी पाए जाते हैं। ये देखे जाने के बाद जो है उसे अस्पताल में ले जाया जाता है। पांडू पुलिस स्टेशन जाता है जबकि जो है नीलकांड उधम सिंह को अस्पताल लेके जाता है। साहिल यहाँ पे पहुँच जाता है। साहिल पांडू के साथ अब पुलिस स्टेशन पर पहुँचता है। जेल में बंद ईश्वर दीवान से पूछताछ करता है साहिल, जो मानते हैं कि ईशा वास्तव में हत्यारे थी और वह बताता है कि ईशा उससे बहुत प्यार करती है लेकिन बचपन से ही उसे क्रोध और प्रबंध की एक बहुत बड़ी बीमारी है। खासकर जब साहिल की बात आती है तो एक बच्चे के रूप में उसने साहिल को काटने के बाद डॉक्टर गांधी के कुत्ते को मार डाला था। इसके बाद उसे दीवान की अपार्टियों के बावजूद जो है सिन्हा और डॉक्टर गांधी द्वारा उसे अनुशासित के साथ करने के लिए एक बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था। बाद में जब वह और साहिल फिर से मिलते हैं तो साहिल के लिए उनका स्नेह अधिकार और भी ज़्यादा बढ़ गया। इससे साहिल के प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाती है और ज़्यादा जब जो है साहिल ने अपने जन्मदिन की पार्टी में उनके लिए अपने प्यार की घोषणा की और किसी भी सूरत में साहिल से अलग नहीं होना चाहती थी ईशा। दोस्तों ये सब कुछ होने के बाद इससे भी ज़्यादा जब साहिल ने अपने जन्मदिन की पार्टी में उसके लिए अपने प्यार की घोषणा की, वह किसी भी हाल में साहिल से अलग नहीं होना चाहती थी। अपने पिता के साथ साहिल के तर्क के बाद दीवान और ईशा अगली सुबह सिन्हा से मिलने गए थे और उसने साहिल और ईशा को एकजुटा करने का अनुरोध किया, लेकिन जिस पर बाद वाले ने अस्वीकार कर दिया और उन्हें गुस्से में अपमानित किया और उन्हें जाने के लिए कहा। ईशा इतने गुस्से में थी कि उसने बाद में सिन्हा की चाकू मारकर हत्या कर दी, जो इल्ज़ाम साहिल के ऊपर पहले लगा दिया गया। जब डॉक्टर गांधी को पता चला कि वह अपराधी है तो उन्होंने उसे भी मार डाला। दीवान कहता है कि ईशा ने उन लोगों को मार डाला जो उसकी राय में उसे साहिल से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे और उसने सच्चाई का खुलासा करने और हत्याओं की जिम्मेदारी स्वीकार करने पर विचार किया था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो साहिल उसे स्वीकार नहीं करेगा। साहिल शब्दों से परे हैरान हो जाता है लेकिन ये समझता है कि ईशा आगे शीतल पर हमला करने की कोशिश करेगी और उसे फ़ोन करके उसे एक आगाह कर देता है और पूछती है कि अकेले है या फिर कोई साथ में है। तो वहाँ पे मनीषा कुरल ये कहना है कि वह अकेली बंद कमरे में है लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने के लिए कहता है। उसके घर जाता है लेकिन वहाँ पे बाबू अन्ना द्वारा हमला किया जाता है साहिल के ऊपर, एक हत्यारा जिसे पहले मंत्री जी ने साहिल और ईशा को मारने के लिए किराए पर लिया था। साहिल घायल हो जाता है इसी लड़ाई के बीच, लेकिन बाबू अन्ना को अक्षम करने और उसे जो है पीटने के बाद वहाँ घर में पहुँचता है। घर में जाने के बाद देखता है कि शीतल साहिल की चेतावनी को मजाक में लेती है, सोचकर कि वह उसके साथ कुछ निजी समय बिताने आ रहा है। जैसे ही ईशा उसके घर पे आती है तो शीतल को सबसे पहले ईशा ने मूर्ख बनाया, क्योंकि ईशा अपने दुर्भाग्य की वजह से छूट गया था और माफ़ी मांगी है। हालांकि ईशा जो है अचानक जो है शीतल पर हल्ला बोल देती है और उसे हमला कर देती है। उसके ऊपर
साहिल उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है और ईशा को शीतल से खींचा जाता है और साहिल की बाहों में दौड़ के आती है क्योंकि क्रोधित हो गई थी इसे देखकर ईशा और सोचती है कि वह अब साहिल के लिए कुछ भी नहीं है। अंतिम प्रयास में शीतल को चाकू मारने की कोशिश करती है लेकिन बाबू अन्ना हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है और इसके बजाय उसे मार देती है। एक घायल हो जाता है। कुछ हद तक नशे में धुत उधम सिंह नीलकंठ के कई प्रयासों के बावजूद उसे आराम करने के लिए राजी करते हैं लेकिन अस्पताल से उधम सिंह उसको मारने के लिए वापस आते हैं और ईशा को गोली मार देते हैं। जैसे ही आते हैं चाकू हाथ में पकड़े हुए देख लेते हैं और उसे सीधे गोली मारते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। ईशा साहिल से माफ़ी मांगती है उसके लिए अपने प्यार की पुष्टि करती है और उसकी बाहों में मर जाती है। अंत में मंत्री जी को भी अस्पताल ले जाया जाता है। नीलकंठ ने सभी को बेईमानी और प्रथाओं में शामिल न होने की चेतावनी दी और उन्हें अपना शेष जीवन अस्पताल में बिताने के लिए कहा क्योंकि वे सभी स्थायी रूप से विकलांग हो गए थे। क्रेडिट के दौरान साहिल शीतल के साथ उस क्लब में शामिल हो जाता है जिससे वह फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था लेकिन अब ये सिर्फ दो है और कोई भी नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ बता दें दोस्तों मनीषा कोइराला का जन्म काठमांडू में हुआ है। काठमांडू नेपाल शहर में हुआ है। राजनीतिक रूप से प्रमुख और ब्राह्मण कोइराला परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता प्रकाश कोइराला एक राजनेता इंसान है जो पूर्व व्यवहार के साथ मंत्री है जबकि उनकी माँ सुषमा कोइराला एक गृहिणी है। उनका एक भाई है जो सिद्धार्थ कोइराला जो एक अभिनेता है। उनके परिवार के कई सदस्य राजनेता बन गए। उनके दादा विशेश्वर प्रसाद के साथ कोइराला 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक की शुरुआत तक नेपाल के प्रधानमंत्री थे जैसा कि उनके दो महान चाचा गिरिजा प्रसाद कोइराला और आपको बता दें अमृता प्रसाद कोइराला थे। कोइराला ने अपना परिभाषिक जीवन भारत में बिताया और वह कुछ वर्षों के लिए वाराणसी में अपनी नानी के घर में गई थी। वाराणसी में घर पर जाने के बाद उन्होंने 10वीं कक्षा तक वसंत कन्या के साथ महाविद्यालय में भाग लिया जो बोर्ड परीक्षा के बाद एक ब्रेक के दौरान कोइराला ने 1989 में एक प्रयोग के रूप में नेपाली फिल्म में काम किया। फेरी भिटोला फिल्म से अपनी करियर की शुरुआत तो कर दी लेकिन इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि डॉक्टर बनने की ख्वाहिश के साथ वह दिल्ली चली गई और उसके बाद धौला कुआं में गई जहां पे दिल्ली परिसर के आर्मी पब्लिक स्कूल में APS में पढ़ाई की। एक स्वच्छताकार में उसने कहा कि दिल्ली में अकेले रहने से उसे मजबूत मिलती है। इसके अलावा जो स्वतंत्र बनने में मदद मिली इनमें एक उनके साथ कंपनी के लिए अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प कोइराला ने फिल्मों में काम करने का एक चुनाव इनको मिला। इसके बाद उन्होंने 2 साल बाद सुभाष गाई के निर्देशन में बनी फिल्म सौदागर में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की जो एक व्यावसायिक सफलता मूवी के रूप में उभरा। Rediff.com की सुकन्या वर्मा के अनुसार मनीषा ने वैंक के साथ जो है चिंगारी देखी गई थी। यहां तक कि उन्हें लगातार माधुरी दीक्षित की हम शिकल के रूप में भी संदर्भित किया जा रहा था। इसके अलावा यलगार फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी इनके साथ जहाँ पे बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसे हिट के में वर्गीकृत किए गए थे। बाद दोस्तों मनीषा कोइराला ने फर्स्ट लव लेटर फिल्म में अभिनय किया। अनमोल और धनवान दोनों ही फिल्मों में काम किया जो 1993 में ये मूवी रिलीज हुई थी 1993 में शामिल थे जिसके कारण निर्माताओं द्वारा कोइराला को एक जिक्स करार दिया गया था। यहाँ पे कोइराला को अक्सर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री में उद्धृत किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, 1942 में ए लव स्टोरी अकेले हम अकेले तुम फिल्म में अभिनय किया। बॉम्बे में इन्होंने काम किया। अग्निसाक्षी फिल्म में काम की। खामोशी एंड गुप्त दिल से फिल्म में इन्होंने अभिनय किया। ये सारे फिल्म एक साथ रिलीज हुई थी और इनमें से कुछ फिल्म फ्लॉप हुए थे और कुछ मूवी हिट रही थी। इसके अलावा बता दें फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विधु विनोद के द्वारा इनको फिल्म में लिया गया था। विधु विनोद चोपड़ा की रोमांस फिल्म 1942 में ए लव स्टोरी फिल्म रिलीज हुई थी जो 1994 में अभिनय करने के बाद कोइराला के करियर की संभावनाओं में सुधार हुआ। उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी रज्जू की भूमिका निभाई जिसे नरेन के साथ अनिल कपूर से प्यार हो जाता है जो एक ब्रिटिश के साथ प्यार में पड़ जाती है। और इसके अलावा आपको बता दें फिल्म की कहानी एक राजनीतिक बैठक में होती है जहां पे चोपड़ा ने पहले स्क्रीन टेस्ट के बाद कोइराला को भयानक अभिनेत्री के रूप में खारिज कर दिया लेकिन दूसरे ऑडिशन के लिए उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुए और उन्हें माधुरी दीक्षित के स्थान पर लेने का फैसला किया।
फिल्म में नायक को एक गहरा चुंबन साझा करते हुए दिखाया गया था। इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा यूए माता पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी क्योंकि प्रमाणित किया गया था। वादी दोस्तों फिल्म को प्रमाणित किया गया और ये रेटिंग प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। कुराला के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने उन्हें एक संवेदनशील कलाकार के रूप में सम्मानित किया था। उस वक्त ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। हालांकि इसने कुराला को वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पहला नामांकन दिलाया। साल 1995 में कुराला ने अरविंद स्वामी के साथ अभिनीत की गई मन रत्नम द्वारा निर्देशित की गई राजनीतिक रोमांस बॉम्बे के साथ तमिल में इन्होंने अभिनय किया। तमिल सिनेमा में अपने शुरुआत की। उन्होंने अपने दोस्त अशोक मेहता के आग्रह पर भूमिका निभाई ऐसे समय में जब अन्य जो है समकालीनों ने उनसे गैर बॉलीवुड फिल्म उद्योग में अभिनय नहीं करने का आग्रह किया था। इसे आलोचकों के साथ प्रशंसा मिली थी। अमेरिकी आलोचक के जेम्स बुराडिल ने फिल्म को फिल्म के बारे में लिखा, बॉम्बे याद करती है कि एक जो है चलचित्र कितना यानी कि सख्त हो सकता है। ये हमें इस कहावत की भी याद दिलाती है कि जो लोग जो है इतिहास से नहीं सीखते हैं वह इसे दोहराने के लिए अभिशाप्त होते हैं। इसके अलावा इसी नाम की फिल्म में बॉम्बे दंगों की पृष्ठभूमि में एक हिंदू पत्रकार से शादी करने वाले मुस्लिम की भूमिका निभाने के लिए कुराला ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। केवल एक गैर हिंदी फिल्म में प्रदर्शन के लिए प्राप्तकर्ताओं के ये जो है पुरस्कार दिए गए थे। 43वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल श्रेणी में अपना पहला पुरस्कार मिला था। 1942 में कुराला का प्रदर्शन ए लव स्टोरी मूवी थी जहां पे बॉम्बे उनके करियर में मील के पत्थर साबित हुए और उन्हें फिल्म उद्योग में स्थापित किया गया। उसी वर्ष उन्होंने आमिर खान के साथ संगीत में रोमांस अकेले हम अकेले तुम फिल्म में अभिनय किया जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में अपना दूसरा नामांकन अवार्ड दिया गया था। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम गुप्त फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप लोग गुप्त फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये मैंने आपको कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। इसके अलावा हम बात कर ले कुराला के बारे में तो अगले वर्ष उसने जूलिया रोबर्ट के साथ काम किया था जो आपको बता दें एनिम फिल्म थी जो 1991 की रीमेक थी। अग्निसाक्षी फिल्म में अपने मानसिक रूप से बीमार पति से भागते हुए एक पष्ट पत्नी की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई जिसने उसके प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। फिल्म को एक ही फिल्म के दो अन्य रीमेक याराना 1995 में बनाया गया था जहां पे माधुरी दीक्षित एंड ऋषि कपूर थे और दरार फिल्म 1996 के साथ जो है लगातार रिलीज किया गया था। इसके अलावा कैलिफोर्निया और विश्वविद्यालय के रूप में समीक्षक ने फिल्म को मूल फिल्म से बाहर कर दिया था। और आपको बता दें दीप्ति कृति चौधरी ने अपनी जो है पुस्तक बायोस्को में ए फ्रो वॉल्स के साथ हिस्ट्री ऑफ के साथ बॉलीवुड इन 10 का साथ जो है चैम्पियन के साथ लिखा और यहां तक कि अग्निसाक्षी मूवी जैसी जो है कि वर्तू पर्ण फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था। अत्याचारिक पत्नी के रूप में उन्होंने फिल्म के अंदर प्रदर्शन दिया था। फिल्म के अंदर नाना पाटेकर ने अभिनय किया था और नाना पाटेकर के खिलाफ एकदम सही है। ये फिल्म एक व्यावसायिक सफलता मूवी थी जो भारत में वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरे। फिल्म के निर्माण के दौरान कुराला ने अपने सह कलाकार नाना पाटेकर को डेट करना शुरू कर दिया था। पाटेकर ने 2003 में अपने रिश्ते और अंतिम जो है ब्रेकअप की पुष्टि की। उनकी ओर से शारीरिक जो है शोषण उनके अलग होने का एक कारण भी हो सकता है। मनीषा कुराला ने अगली बार उसी वर्ष कॉमेडी एंड साथ जो है मजेदार में सलमान खान के साथ अभिनय किया जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता मूवी थी। इसके बाद उन्होंने एस शंकर की भारतीय फिल्म 1996 में एक प्रमुख भूमिका में नजर आई थी जिसने उनकी दूसरी तमिल फिल्मों की चिन्हित किया था। इसे हिंदुस्तानी शीर्षक के तहत हिंदी डब में और रिलीज किया गया था। बता दें फ्रेंड्स कुराला और उर्मिला इस फिल्म में दिखाई देती दोहरी भूमिकाओं में कमल हसन की इस फिल्म में भूमिका रखी गई थी। विशेष ये है कि उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी जिसका बजट 150 मिलियन रखा गया था। इंडिया टुडे की निरुपमा सुब्रमण्यम ने इसे महसूस किया था और उन्होंने कहा था कि एक व्यावसायिक जो है
फुट बॉयलर मूवी थी और उन्होंने लिखा भारतीयों में नृत्य ए आर रहमान के साथ जो है सुंदर महिलाओं के साथ मनीषा कुराला और उर्मिला इस फिल्म में नजर आई थी। भारतीय हिंदुस्तानी दोनों ही व्यावसायिक सफलताएं मूवी थी। ये फिल्म 1996 में एकेडमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के साथ इस फिल्म को खोला गया था। इसके अलावा आपको बता दें वर्ड्स की अपनी अंतिम रिलीज मूवी में उन्होंने संगीत नाटक जो है खामोशी द म्यूजिकल फिल्म में अभिनय किया, जिसने संजय लीला भंसाली के निर्देशन में पहली फिल्म बनाई थी। इसके अलावा कुराला ने अपने मूक जो है बधिर माता के साथ और इसके अलावा जो है पिता जोसेफ और फ्लेवी के साथ जो है देखभाल करने वाली बेटी एनी की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी, जिसे जो है करमोश नाना पाटेकर और सीमा जो है विश्वास द्वारा चित्रित किया गया था। फिल्म के अंदर सलमान खान ने राज की भूमिका निभाई थी। उनकी प्रेम रुचि और अपनी जो है भूमिका की तैयारी में कुराला ने भारतीय संकेतिक के साथ जो है भाषा सीखी थी। चैनल पर 4 के एक आलोचना ने लिखा था कि कुराला विशेष रूप से अपने तत्व में है और इसके खिलाफ खेलने के बजाय जो है अपनी अभिनय क्षमता की पूरी श्रृंखला का प्रदर्शन करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले गुप्त मूवी के रिलीज डेट के बारे में। फिल्म को 1997 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये मूवी 1997 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जहां दोस्तों आपने सही सुना। दोस्तों गुप्त फिल्म को 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म कहा जाता है। इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ मनीषा कुराला, काजोल और ओम पुरी, राज बब्बर और कुलभूषण खरबंदा के साथ मुख्य भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए थे बॉबी देओल। दोस्तों विस्तारित कैमियों के बारे में हम बात कर लेते, त्रिमूर्ति फिल्म के बैनर के तले इस फिल्म को बनाया गया था। इस फिल्म के सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो परेश राव, दिलीप ताहिल, प्रेम चोपड़ा, सदाशिव, अमर पुरकर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। दोस्तों मुकेश ऋषि और प्रिया तेंदुलकर भी इस फिल्म में नजर आई थी। और फिल्म के साउंड आर्ट के बारे में हम बात कर ले तो बीजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और इसे हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ थ्रिलर फिल्म में से एक माना जाता है। दोस्तों रिलीज होने पर गुप्त फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। एक साथ दोस्तों बात कर ले इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। इस फिल्म को 10 में से 7.5 स्टार दी गई है और ये लिखा गया कि स्टाइलिश सिनेमेटोग्राफी के साथ खूबसूरत लोकेशंस और बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ ये मूवी अच्छी तरह से बनाई गई है। दोस्तों फिल्म में ये थ्रिलर मूवी की एक शैली में आती है और इसके किसी भी खेत की तुलना में काफी बेहतरीन मूवी बन जाती है। पूर्ववर्तियों ने किया था निर्देशक राजीव रॉय द्वारा इस विषय से अधिक जो है भयभीत नहीं है और इसीलिए पूरी बात को एक होश पोश नहीं बनाते हैं। आपको बता दें फिल्म की कहानी में बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकरार ने रहस्य और संगीत की प्रशंसा की थी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं गुप्त मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों गुप्त फिल्म को 4 जुलाई 1997 को भारत में 250 स्क्रीन पे रिलीज किया गया था और फिल्म ने पहले दिन 9 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। इसी तरह इस फिल्म की एक हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म ने 27.8 मिलियन से अधिक की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ते के संग्रह के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फिल्म ने पहले हफ्ते में 53 मिलियन से अधिक की कमाई किया था, जिसमें भारत की सकल संग्रह 317.2 मिलियन हो गई थी और दुनिया भर के सकल संग्रह के बारे में हम बात कर ले तो 332 मिलियन से अधिक की कमाई किया था, जिसमें विदेशी सकल संग्रह 4,25,000 यूएसए था और फिल्म की समायोजित जो है शुद्ध सकल संग्रह 1.68 मिलियन से अधिक बतलाई गई थी। दोस्तों ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जो दिल तो पागल है मूवी, बॉर्डर और परदेश के बाद साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। काजोल फिल्म पर पुरस्कारों के इतिहास में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जीतने वाली पहली अभिनेत्री इसी मूवी से बनी। जहाँ दोस्तों आपने सही सुना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं गुप्त फिल्म को। अगर आप लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अभी आपको ये मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो जरूर आप मुझे नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस फिल्म में बॉबी देओल साहिल सिन्हा के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। बात कर ले मनीषा कुराला के बारे में तो शीतल चौधरी के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है। इसी के साथ दोस्तों काजोल के बारे में हम बात कर ले तो ईशा दीवान के रूप में इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है। ओम पुरी इस फिल्म में इंस्पेक्टर उद्धम सिंह के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों राज बब्बर फिल्म में गवर्नर जय सिन्हा के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले परेश रावल के बारे में तो फिल्म में ईश्वर दीवान के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है राज्यपाल जय सिन्हा से, जो एक प्रमुख राजनीतिक इंसान है। वह प्रभावशाली उद्योगपति मेघनाथ चौधरी एवं समाजवादी संघ के नेता है। दोस्तों मूवी शुरू होते ही मीटिंग में सभी को दिखलाया जाता है। इसी मंडली में मंत्री जी भी जुड़े हुए उनके द्वारा ली गई बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जहाँ पे एक तरफ जय सिन्हा का एक चौतेला बेटा है जिसका नाम साहिल है। साहिल दोस्तों बॉबी देओल जो इस फिल्म में बॉबी देओल साहिल के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म में शुरुआत
शुरुआती दौर में साहिल सिन्हा का रूप एक बहुत ही बिगड़ल इंसान के रूप में है और एक बहुत ही बिगड़ल लड़के के रूप में है। बता दे दोस्तों, अनासक्त व्यवहार है जो आसानी से जाने वाला युवक बन जाता है जो उससे नाराज रहता है, हमेशा अपने पिता से नाराज रहता है। शिक्षा दोस्तों आपको बता दे, जय सिन्हा की निजी सचिव ईश्वर दीवान की बेटी ईशा साहिल के प्यार में रहती है। इसके साथ वो लंबे समय के बाद फिर से कॉलेज में मिल जाता है क्योंकि ईशा को पिछले दिनों में बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था क्योंकि उन्हें प्यार हो गया था दोनों में और दोनों को अलग कर दिए गए थे। मेघनाथ की बेटी शीतल भी साहिल से प्यार करती है लेकिन वह उसे केवल एक बहुत अच्छा दोस्त भी मानती है। इसी के साथ आपको बता दे, जय सिन्हा ने शीतल को साहिल की सगाई की घोषणा कर दी एक पार्टी में जिससे वो बहुत छिड़ गई और ये दोनों बाप बेटे बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाते हैं। आपको बता दे, साहिल ईशा के लिए अपने प्यार की घोषणा करता है जो असहमत होती है इस बात से और गुस्से में आकर साहिल जय सिन्हा को चाकू मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी माँ शारदा उसे रोक देती है इस कत्ल करने से। और अगले दिन साहिल सिन्हा के परिवार के डॉक्टर गांधी के घर पे नशे से धुत पाए जाते हैं जो साहिल को शीतल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की सलाह देता है। आपको बतला दे, ये तर्क देते हुए कि साहिल उसके साथ एक खुशहाल जीवन जिएगा, एक शराबी और अभी भी अडिक साहिल घर पर लौटता है इसी नशे में और अपने सदमे से पाता है। दोस्तों जब घर में आता है तो उसको पता चलता है कि उसके पिता को किसी ने चाकू मार दी है। दोस्तों जब आधी रात में घर पे पहुंचता है तो साहिल सिन्हा के पिता को किसी ने चाकू मार के वहां से भाग गया रहता है। अब उसके पिता मर जाते हैं जबकि शारदा आती है और साहिल को अपने मृत सौतेले पिता के पास चाकू पकड़े हुए पाती है, उसे हत्यारा मान लेती है और साहिल को गिरफ्तार करवा लिया जाता है। और आपको बता दे, अदालत ले जाया जाता है जहाँ पे उसके कई जो है परिचित और शारदा के उसके खिलाफ जो है यानी कि गवाही देते हैं। कोर्ट में साहिल को दोषी पाया गया और उसे 14 साल के जेल की सजा सुनाई गई। साहिल को जेल ले जाने की ठीक पहले वह को एक हार सौंप देता है जिसका अर्थ है कि इसे हत्यारे द्वारा घटना स्थल पर छोड़ दिया गया था। वो उसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है, उसे यह भी बताता है कि उसने किसी भी यानी कि कीमत पर असली हथियार को खोजने का फैसला किया है। आखिरकार उसे सिन्हा के प्यार का एहसास हो जाता है। जब सिन्हा के वसीयत को पढ़ता है तो साहिल को ये एहसास हो जाता है कि उसके पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। या दोस्तों आपने सही सुना। एक साथ आपको बता दें दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे गुप्त मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप गुप्त फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों गुप्त फिल्म आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों अब आपको बता दें, एक तरफ साहिल को जेल में बंद कर दिया जाता है, साहिल अपनी कहानी एक पुराने कैदी को पूरी तरह से बतलाता है जो उसे निर्दोष मानते हैं। कैदी साहिल को बताता है कि जेल में केवल एक ही भागने का रास्ता है, उस रास्ते पर पहुंचने के लिए साहिल को मारपीट करनी पड़ती है। दोस्तों बता दें, साहिल के लिए ये काम करना बहुत ही आसान था क्योंकि जेल में केवल एक ही भागने का रास्ता है, एक ही सीवेज गटर पाइप जिसे जेल से एक जो है प्रयुक्त कच में स्थित फ्लॉप और शौचालय से पहुंचता है। शौचालय से रास्ता जो है समुद्र की तरफ जाता है और कच में स्थित फ्लॉस और आपको बताया शौचालय से पहुंचा जा सकता है। साहिल को अन्य कैदियों के साथ जो है समस्या पैदा करनी पड़ती है, इससे जेलर उन्हें कच में कैद कर देता है। तो एक काल कोठी में बंद करने के बाद बहुत ही ज्यादा प्रयास के बाद तीनों ने शीतल धारा वास्तविक नाव के साथ समुद्र के रास्ते जेल से भागने में सफल हो जाते हैं। और इधर पुलिस आयुक्त जो है यानी कि पाटवर्धन साहिल की फिर से गिरफ्तारी के मामले को संभालने के लिए एक ईमानदार और आपको बतला दें ईमानदार पुलिस अधिकारी को खोजता है। इसी के साथ उधम सिंह को नियुक्त किया जाता है। साहिल चुपके से ईशा से उसके घर पर मिलने जाता है जहां पे वह डॉक्टर गांधी को सलाह के लिए बुलाता है। इसके अलावा आपको बता दें, डॉक्टर गांधी साहिल को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। साहिल डॉक्टर के घर पहुँचता है, उससे पहले वहाँ पे कातिल पहुंच जाता है और डॉक्टर गांधी को भी कत्ल कर देता है। दोस्तों जैसे भी साहिल सिन्हा डॉक्टर गांधी के पास जाता है तो चिल्लाता है, उसे भागने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि डॉक्टर गांधी का नौकर साहिल को पुलिस को रिपोर्ट करता है कि लाश के पास उसी को देखा था। उधम सिंह शीतल से पूछताछ करता है जिसके साथ साहिल कभी भी अच्छे संबंध रखता था। शीतल ने कबूल किया कि उसने पिछली रात साहिल के साथ बिताई थी। शीतल चौधरी ने यहाँ तक कि उसको बतला दिया कि जेल से भागने में उसी ने मदद की है। दोस्तों ये सब कुछ जानने के बाद भी उधम सिंह उनको गलत जो है कामों के लिए शीतल को गिरफ्तार नहीं करता है क्योंकि आंशिक रूप से क्योंकि वह साहिल को पकड़ने पर अत्यधिक जो है ध्यान केंद्रित करता है। अधिकांश आपको बता दें आंशिक रूप से मेघनाथ के प्रभाव और धन के कारण करता है। अब इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, अब साहिल सिन्हा के ऊपर 2 खून के कत्ल का इल्जाम आ गया है। अब 2 हत्याओं का आरोप लगने के बाद साहिल का हत्यारे को खोजने का संकल्प और भी मजबूत हो गया है क्योंकि वह पहले अधिकतर जो है थाना वाला पर शक करता है
क्योंकि थाना वाला के पास सिन्हा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और संपत्ति का हिस्सा प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा मौका था। आपको बता दें, बशर्ते साहिल तस्वीर से बाहर हो जाता है और थाना वाले के कार्यालय में प्रवेश करता है और उससे बेरहमी से पूछताछ करता है। तो साहिल सिन्हा द्वारा उसे बहुत ज्यादा पीटा जाता है और बेरहमी से पूछताछ किया जाता है, लेकिन नहीं बतलाने के बाद खिड़की से दूसरी मंजिल से उसे फेंक देता है। बताए दोस्तों, वहां से थाना वाला ने खुलासा किया कि जब उन्होंने शुरू में सिन्हा की संपत्ति और संपत्ति के अपने हिस्से को हड़पने का इरादा किया था तो उन्हें हत्या नहीं की थी। दोस्तों, थाना वाला ने ये सब कुछ कबूल कर लिया कि संपत्ति का हड़पने का उसका जो है इरादा था, लेकिन उसने जो है उसके पिता की कत्ल नहीं की। दोस्तों, उसके बाद जो है ये हत्या साहिल फिर जो है चौधरी से पूछताछ करता है। इस हत्या के बारे में साहिल जो है चौधरी के पास जाता है, जिस पर उसे धोखेधारी के व्यापार पर और आपको बता दें प्रथाओं में शामिल होने के कारण संदेह है कि सिन्हा ने समर्थन नहीं किया, लेकिन चौधरी का दावा यह है। दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं गुप्त मूवी को। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब चौधरी से पूछे जाने के बाद बेगुनाही का दावा किया और साहिल ने चौधरी के भाई को बेरहमी से पीटा क्योंकि वह छुरा घोंपने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसे पकड़ लेता था। आपको बता दें, अगला वह बिलासराव जापे भरत जो है समाजवादी संघ के नेता था, इनके चौधरी और सिन्हा के साथ तनावपूर्ण संबंध थे। इन्हें जो है मंत्री जी पर उंगली उठाने से पहले साहिल ने पीटा था और यह आरोप लगाते हुए कि सिन्हा की हत्या एक राजनीतिक हत्या थी, जहां पे साहिल और आपको बता शीतल जो है मंत्री जी को एक समारोह में शामिल होने के लिए वहां पे बरगलाते हैं और उनका अपहरण कर लेते हैं। इसी बीच उधम सिंह भी वहां पे मौजूद होता है और उसे पता चलता है कि साहिल अपने मजबूत जो है संकल्प को देखकर असली हत्यारा नहीं है। आपको बता दें, उधम सिंह ने आगे की जांच की और पाया कि हत्याएं एक ही यानि कि निर्माण से हुई है और आकार के दो यानि कि चाकुओं से की गई है। यह दर्शाती है कि वह एक सेठ जो है संबंधित हो सकते हैं और वह ईश्वर दीवान के घर पहुँच जाते हैं। ईश्वर दीवान के घर पर जाते हैं तो चाकुओं के साथ चाकू का पूरा सेट पाते हैं और दीवान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच जोशीना और डॉक्टर गांधी की हत्या को कबूल कर लेता है। दीवान ने सिन्हा की हत्या करने का खुलासा किया क्योंकि इसने ईशा को अपनी जो है बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था और पहले आरोप लगाया था और आपको बताया छिपाने के लिए डॉक्टर गांधी की हत्या कर दी थी क्योंकि बाद वाले को अपने असली इरादों का एहसास हो गया था। उसी समय दोस्तों साहिल अपने और आपको बतला दे उबालकर मंत्री जी से पूछताछ करता है, लेकिन शीतल वहां पे चली आती है और उसे बताती है कि हत्यारा ईश्वर दीवान है और साहिल मंत्री जी को छोड़ देता है। तो जब शीतल ये बतलाती है कि इसके पिता ने कत्ल किए, ईश्वर दीवान ने पूरे कत्ल किए हैं, तो साहिल सिन्हा मंत्री जी को छोड़ देता है और ईशा ये सब कुछ जानकर चौंक जाती है और शीतल पर हमला करने की कोशिश करती है और बाद में अपने पिता से मिलने जाती है, जहाँ पे साहिल आखिरकार निर्दोष घोषित होने के बाद वह घर लौटता है और अपनी माँ और आपको बता दें सौतेले भाई के साथ सुलह कर लेता है। फिर भी दोस्तों अभी तक जो है साहिल अंदर से संतुष्ट नहीं है क्योंकि लॉकर जो उसको मिला था वो अभी तक एक पहेली थी। साहिल अपने सौतेले भाई हर्ष को वो हार दे देता है जो उसने पहले अपराध स्थल पर पाया था, क्योंकि इस हार की प्रकृति अभी भी अज्ञात है क्योंकि साहिल को यह एहसास नहीं था कि इसे जो है खोला जा सकता है। किसी भी संदिग्ध के साथ इसे पहचाना नहीं जा सकता। हर्ष एक जो है पेचकस से एक साथ हार को खोल लेता है और आपको बताया साहिल को दिखाता है जो अंदर उसकी और ईशा की तस्वीर पाता है। यह एक जो है चौंकाने वाली सच्चाई की ओर ले जाता है। दोस्तों लॉकेट खुलने के बाद उसमें साहिल की और ईशा की तस्वीर मिलती है। यह एक चौंकाने वाली सच्चाई की ओर ले जाता है और इसे जो है असली हत्यारे और इसी बीच ईशा उधम सिंह के घर पे प्रवेश कर लेती है जो उसे नहीं देखता है। बता दें दोस्तों, क्योंकि वह एक पार्टी के बाद नशे में था, इसे उसने जो है मामले को सुलझाने की सफलता के लिए फेंक दिया था। वह उसे कई बुरा यानी कि छाकू मार दिए, घोप दिए और वहाँ पे पांडू और आपको बता दें नीलकंठ धारा देखे जाने से बच जाती है क्योंकि पांडू पुलिस स्टेशन जाता है जबकि जो है नीलकंठ उधम सिंह को अस्पताल ले जाता है। तो लॉकेट खुलने के बाद बॉबी देओल को इस सच्चाई का पता चल जाता है कि जितने भी खून हुए हैं वो जो है ईश्वर दीवान ने नहीं बल्कि उसकी उसकी बेटी ने की है। साहिल के प्रति लगाव इस हद तक उसका बढ़ गया था कि साहिल ने अपने जन्मदिन की पार्टी में उसके लिए अपने प्यार की घोषणा कर दी थी। वह किसी भी हाल में साहिल से अलग नहीं होना चाहती थी। अपने पिता के साथ साहिल के तर्क के बाद दीवान और ईशा इसी अगली जो है सुबह सिन्हा से मिलने गए थे और उनसे साहिल और ईशा को एकजुट करने का अनुरोध करने के लिए कहा था, जिस पर जो है बाद वाले ने अस्वीकार कर दिया था।
उन्हें गुस्से में अपमानित किया गया था और उन्हें जाने के लिए कहा गया था। ईशा इतनी गुस्से में थी कि उसने बाद में सिन्हा की चाकू जो है मारकर हत्या कर दी। जब जो है डॉक्टर गांधी को पता चला कि वह अपराधी है तो उन्होंने उसे भी मार डाला था। और दीवान कहता है कि ईशा ने उन लोगों को मार डाला जो उसकी राह में और आपको बताया उसे जो है साहिल से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे और उसने सच्चाई का खुलासा करने और हत्याओं की जिम्मेदारी जो है स्वीकार करने पर विचार किया था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो साहिल उसे स्वीकार नहीं करेगा। अब इसके बाद आपको बता दे साहिल शब्दों से परे हैरान है लेकिन समझती है कि ईशा आगे जो है शीतल पर हमला करने की कोशिश करेगी। तो ये सारी सच्चाई जानने के बाद बॉबी देओल को फौरन शक हो जाता है कि अब जो है चुप नहीं रहेगी और वो जो है शीतल चौधरी पे हमला करेगी। दोस्तों मनीषा कुराला को बॉबी देओल फोन करके सारे माजरा समझा देते हैं और बोलते हैं कि घर पे किसी को आने नहीं देना। दोस्तों इस शब्दों से हैरान हो जाती है लेकिन समझती है कि ईशा आगे शीतल पर हमला करने की पूरी कोशिश करेगी। उसे फोन करता है और उसे पूरी चेतावनी देता है, घटना के बारे में बतलाता है, दरवाजे और प्रवेश द्वार जो है बंद करने के लिए कहता है और किसी को अंदर नहीं जाने के लिए भी कहता है। उसके घर जाता है लेकिन बाबू अन्नाधारा हमला किया जाता है बॉबी देओल के ऊपर। और आपको बतला दे हत्यारा जिसे पहले मंत्री जी ने साहिल और ईशा को मारने के लिए किराए पर लिया था, साहिल घायल हो जाता है लेकिन बाबू अन्ना को अक्षम करने और आपको बता दे पहुंचने में सफलता पाती है। शीतल साहिल की चेतावनी को मजाक में लेता है ये सोचकर उसके साथ कुछ निजी समय बिताने आ रहा है। और आपको बता दे जैसे ही ईशा उसके घर आता है तो शीतल को सबसे पहले ईशा ने मूर्ख बनाया क्योंकि ईशा अपने जो है दुर्व्यवहार के लिए झूठा माफ़ी मांगती है। हालांकि ईशा अचानक शीतल पर हमला कर देती है, हल्ला बोल देती है और साहिल उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है और ईशा को शीतल से खींच लेता है जो साहिल की बाहों में दौड़कर आ जाती है। क्रोधित ईशा जो सोचती है कि वह अब साहिल के लिए कुछ भी नहीं है, अंतिम प्रयास में शीतल को चाकू मारने की कोशिश करती है लेकिन बाबू अन्ना हस्तक्षेप करने की पूरी कोशिश करता है। तो अब मनीषा कुराला पे काजल पूरी तरह से गुस्सा करती है, इसके बजाय वो उसे मार दिया जाता है। वहाँ पे एक घायल हो जाती है। कुछ हद तक जो है नशे में धुत जो है उधम सिंह निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। नीलकंठ के कई जो प्रयासों के बावजूद भी उसे आराम करने के लिए राजी करने के लिए आता है। और आपको बता दें इसी बीच ईशा को गोली मार देते हैं उधम सिंह, इससे उसकी मौत हो जाती है। ईशा साहिल से माफ़ी मांगती है और उसके लिए अपने प्यार की पुष्टि करती है और उसकी बाहों में मर जाती है। अंत में मंत्री जो को भी अस्पताल ले जाया जाता है। नीलकंठ ने सभी को बेईमानी और आपको बता दें प्रथाओं में शामिल न होने की चेतावनी दी। उन्हें अपना शेष जो है जीवन अस्पताल में बिताने के लिए कहा क्योंकि वह सभी जो है स्थानीय रूप से विकलांग हो चुके थे और क्रेडिट के दौरान साहिल शीतल के साथ उस क्लब में शामिल हो जाता है जिससे वह फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। लेकिन अब यह जो है सिर्फ दो है, कोई नहीं है क्योंकि दोनों ने एक रिश्ते की शुरुआत की। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉबी देओल की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है गुप्त। तो दोस्तों अगर आप लोग गुप्त मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बन रहिएगा। गुप्त द हिडन थ्रूट मूवीज द सेक्रेट इन 1997 इंडियन हिंदी लैंग्वेज थ्रिलर फिल्म एंड डायरेक्टेड बाय द राजीव रॉय एंड द फ्यूचरिंग बॉबी देओल इन द लीड रोल द लॉन्ग विद दी मनीषा कोइराला काजोल एंड ओम पुरी विद दी राज बब्बर एंड कुलभूषण खरबंदा इन द एक्सटेंडेड द कोमियो एंड अंडर द बैनर त्रिमूर्ति फिल्म एंड द प्रेस राउट दिलीप ताहिल प्रेम चोपड़ा सदाशिव अमर पारकर एंड द शरद सक्सेना मुकेश राशि प्रिया तेंदुलकर इन द सुपरिंग रोल द फिल्म इन साउंड ऑफ द फिल्म वॉज द कंपोजर बाय द विजय शाह इन द को स्टार ऑफ द बिस्थ मूवी इन द फ्रॉम हिंदी सिनेमा। गवर्नर जय सिन्हा इज द एंड प्रोमाइंड द एंड पोलिटिकल फिगर द ही एंड द प्रेसिडेंट ओवर द एंड मीटिंग टेकन द बॉय एंड इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल द मेघना चौधरी एंड सोशलिस्ट द यूनियन लीडर बिलासराव द एंड मिनिस्टर द एंड मंत्री जी अमंग द ऑर्डर द एंड जय सिन्हा एंड स्टोफन द साहिल इज द एंड अंटे द एंड अंदित बॉय इन द विंग द यंग मैन द यू आर स्टैंड द हिम एंड जय सिन्हा द एंड पर्सनल द सेक्रेटरी ईश्वर दीवान हिज द डॉटर इज द साहिल ब्लोफेट इन विद बी वुमेन हिन
रोनिटी द आफ्टर द लॉन्ग टाइम ईसा वॉज द इनसेन टू बी इन बोर्डिंग स्कूल इन द इन द पास्ट दी द फिल इन लव इज द मेघनाथ इज द डॉटर द शीतल इज द ऑल्सो इन लव विद द साहिल बट और द ओनली मेरी द इन कोशिश डेट ही वेरी गुड फ्रेंड इन जय सिन्हा द अनाउंसमेंट द साहिल इज द एन एंगेजमेंट जय सिन्हा इज द अनाउंसमेंट साहिल एंगेजमेंट शीतल द लीडिंग टू बी आर्गूमेंट द साहिल एंड डिग्री द ही लव फॉर द ईशा टू हिंदी विद द एंड डिग्री टू इन द of the in Rega Sahil tried to be in step the Jaisina but is the stupid by the his in mother in Shraddha the next day Sahil gets the in heavily the end room at the in house of the Dr. Gandhi. Sahil Sinha is the in finally the end doctor who the end advised the Sahil to accept the Sital as the in his wife the end reunited the in Sahil will be lead hit the in happier the life with be here the a and the trunk and still the in admin the Sahil return home the in find of the two him the shock at the end so Miru hit the in stable the Sinha before the Sinha the end can the reveal the name of the in murder the he was the in will be Shraddha in arrive to be in find the Sahil here the knee in the dead step the father in holding to be in kindly assume his the in clear the Sahil is the arrested the end taken to be in court where the in money of the his the end equally Shraddha in the testify the in again to be Sahil the found in guilty in the end sentence the 14 years in the in prison just before this Sahil is the end transport to be jail he the in hands over the end necklace to Sital implying he the end left the behind at the end scan by the killer he the escape to here to keep it the safe he also the tells in here that the Sahil is the found the guilty he the sentence to be 14 years in the prison just before this Sahil is the in transported to be jail he the in hands over a necklace to Sital employee take the left and behind the in scan by the in kill he the escape for the who keep it the safe he also tell here the and he the decide to be find the real murder to any the cost he the in having finally the realize Sinha is the law from him in jail the in Sahil the end read to be he story to be old man old person who the end believe to him to be inducted the end the personal till Sahil the in jail only has the end won the escape to en route the a and the s walk the in gutter the pipe to be key the end access to from the in floor say in toilet the end located to be in on which the end combar of the in jail Sahil the created the end problem with the two other person the end coding to be and jailer to be confined in hit the end cambor after the end great offered the in the success in the expand to jail by the sea and with the end board the end arrange to by the Sital and police commissioner the end path were the assigned to be in Adum hit the end agreed to be police officer Udham Singh to be in handle the case of the Sahil to end the apprehend the Sahil the and secretary meet Isha at the home where be and call Dr. Gandhi for the end advice to be Dr. Gandhi he the invite to be Sahil to his the and whole Sahil and seeking to be Dr. the and Richard he the and secret to find out of the end soon baby he the Dr. Gandhi he the and servant find up this Sahil and the did the Dr. in the end Sarkesh the enforcement to be escaped Dr. Gandhi and severed the part of the Sahil and police Udham Singh the and integrate the Sital with the whom the Sahil and mend the good in the good relationship Sital the comfort the whom the in the Sahil Sinha. दोस्तों इस मूवी के अंदर राज्यपाल सिन्हा एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे जो प्रभावशाली उद्योगपति मेघनाथ चौधरी एवं समाजवादी संघ के नेता बिलासराव और आपको बता दें मंत्री जी द्वारा की गई बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जय सिन्हा का सौतेला बेटा साहिल एक बहुत ही अनाशक्त इंसान है और आसानी से जाने वाले युवक बन जाता है। इसके अलावा आपको बता दें जय सिन्हा के निजी सचिव ईश्वर दीवान की बेटी ईशा साहिल के प्यार में पड़ जाती है जिसके साथ वह लंबे समय के बाद फिर से मिल जाता है क्योंकि ईशा को पिछले दिनों बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। मेघनाथ की बेटी शीतल भी साहिल से प्यार करती है लेकिन वह उसे केवल एक बहुत अच्छा दोस्त मानता है। जय सिन्हा ने शीतल को साहिल की सगाई की घोषणा कर दी एक पार्टी में जिससे बहस छिड़ गई दोनों बाप बेटा में। साहिल ईशा के लिए अपने प्यार की घोषणा करता है, इस बात से सहमत हो जाती है और गुस्से में आकर साहिल जय सिन्हा को चाकू मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मां शारदा उसे रोक देती है। अगले दिन साहिल सिन्हा को परिवार के डॉक्टर गांधी के घर पहुँच जाते हैं जहाँ पे नशे में धुत हो जाता है जो साहिल को शीतल को अपनी जो है पत्नी के रूम में स्वीकार करने की सलाह देता है और यह तर्क देते हुए कि
साहिल उसके साथ एक खुशहाल जीवन जिएगा। एक शराबी और अभी भी एक अडिक जो है साहिल घर पे लौटता है और ये कसम खाकी कि मैं आज जो है रात अपने पिता के साथ जो है सुलह कर लूँगा या उसके साथ जो है निकल जाऊँगा। अपने सदमे से पाते हैं कि किसी ने सिन्हा को चाकू मार दिया है। उससे पहले कि सिन्हा हत्यारे के नाम का खुलासा कर सके वह मर जाता है, जबकि शारदा आती है और साहिल को अपने मृत जो है सौतेले पिता के पास चाकू पकड़े हुए पाती है। हत्यारा मानता है कि साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ले जाया जाता है जहाँ पे उसके कई अपरिचित इंसान शारदा तक जो है उसकी माँ तक जो उसके खिलाफ गवाही देती है। साहिल को दोषी पाया जाता है, उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। साहिल को जेल ले जाने से ठीक पहले वह शीतल को एक हार सौंपता है। इसका अर्थ है कि उसे हत्यारे द्वारा घटनास्थल पर छोड़ दिया गया था और वह उसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है। वह उसे यह भी बताता है कि उसने किसी भी यानी कि असली हथियार को खोजने का फैसला किया है। आखिरकार उसे सिन्हा के प्यार का एहसास हो जाता है। दोस्तों जेल में जाने के बाद बॉबी देओल को अपने पिता के प्यार का एहसास होता है, लेकिन ये एहसास होने का क्या फ़ायदा क्योंकि उसके पिता को किसी और ने चाकू मार दिया था। दोस्तों इस फिल्म की कहानी 1997 की सबसे अधिक जो है पसंद की जाने वाली कहानी बन गई थी। अब दोस्तों जेल में जाने के बाद साहिल का बहुत बुरी तरह से स्वागत किया जाता है क्योंकि जेल के जो जेलर होता है उसे बहुत ज़्यादा पीटता है और साहिल अपनी कहानी एक पुराने कैदी को बताता है जो उसे निर्दोष मानते हैं। कैदी साहिल को बताता है कि जेल में केवल एक भागने का रास्ता है, एक सीवेज गटर पाइप है जिसे जेल के एक उपयुक्त कक्ष में जाता है जहाँ पे स्थित जो है फ्लश शौचालय से पहुंचा जा सकता है। साहिल को अन्य कैदियों के साथ समस्या पैदा करना पड़ता है, इससे जेलर उन्हें कक्ष में कैद कर देते हैं। बहुत प्रयास के बाद जो है तीनों शीतल धारा एक जो है व्यवस्था की गई नाव के साथ समुद्र के रास्ते में जेल से भागने में सफल हो जाते हैं। पुलिस आयुक्त जो है पटवर्धन साहिल की फिर से गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढते हैं। मामले को संभालने के लिए ईमानदार और ईमानदार पुलिस अधिकारी उधम सिंह को नियुक्त करते हैं। साहिल चुपके से ईशा से उसके घर पे मिलने जाता है जहां पे डॉक्टर गांधी को सलाह के लिए बुलाया जाता है और डॉक्टर गांधी साहिल को अपने घर पे आमंत्रित करते हैं। साहिल डॉक्टर के घर पहुंचता है तो देखकर चौंक जाता है कि किसी ने डॉक्टर गांधी को चाकू मार दिया है। डॉक्टर गांधी का नौकर साहिल को मृत जो है डॉक्टर के पास पाता है और चिल्लाता है, उसे भागने के लिए मजबूर करता है। डॉक्टर गांधी का नौकर साहिल को पुलिस को पूरी रिपोर्ट की जानकारी दे देता है। अब एक तरफ उधम सिंह शीतल से पूछताछ करते हैं जिसके साथ साहिल अभी भी अच्छे संबंध रखती है। आपको बता दें शीतल ने कबूल किया कि उसने पिछली रात साहिल के साथ बिताई थी और उसे जेल से भागने में मदद की थी। अब सिंह इन सब गलत कामों को देखकर सुनकर उसे गिरफ्तार नहीं करता है और आंशिक रूप से क्योंकि वह साहिल को पकड़ने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है और आपको बता दें आंशिक रूप से मेघनाथ के प्रभाव और धन के कारण वहाँ पर चला जाता है। अब आपको बता दें अब दो हत्याओं का आरोप लगने के बाद साहिल का हत्यारे को खोजने का संकल्प और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। पहले अधिकतर आपको बतला दें थाना वाला पर शक करता है साहिल क्योंकि जो है थाना वाले के पास सिन्हा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और आपको बतला दें संपत्ति का हिस्सा प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा अच्छा मौका था। और आपको बता दें बशर्ते साहिल जो है तस्वीर से बाहर हो जाता है, थाना वाले के कार्यालय प्रवेश करता है और उसे जो है बिरहमी से पूछताछ करता है, उसे खिड़की से दूसरी मंजिल से। दोस्तों साहिल सिन्हा थाने वाले को ऊपर से फेंक देता है लेकिन थाना वाला उसको बतलाता है कि मैंने तुम्हारे पिता का कत्ल नहीं किया बल्कि उनकी संपत्ति हड़पने की जहां तक बात है इसकी मैंने अपने जो है यानी अंदर मन में ख्याल लाया था लेकिन जो है मैंने तुम्हारे पिता की कत्ल नहीं की। दोस्तों इसके बाद मंत्री जी के ऊपर शक किया जाता है, उसके बाद बिलास राव को बहुत ज्यादा पीटता है बॉबी देओल। दोस्तों इस मूवी की कहानी इसी चीज पर आधारित है, आपको इस मूवी की कहानी हम बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों रिलीज के पहले दिन इस फिल्म ने 9 मिलियन से अधिक की कमाई किया। फिल्म ने पूरे हफ्ते में 27 मिलियन से अधिक की कमाई किया था और इसी तरह ऑल टाइम फिल्म ने 317 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। दोस्तों ये मूवी साल की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बन गई थी क्योंकि दुनिया भर फिल्म ने 1.68 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले गुप्त मूवी के रिलीज डेट के बारे में। फिल्म को 1997 में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और ये मूवी 1997 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना, दोस्तों गुप्त फिल्म को 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म कहा जाता है। इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ मनीषा कोइराला, काजोल और ओम पुरी, राज बब्बर और कुलभूषण खरबंदा के साथ मुख्य भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए थे बॉबी देओल। दोस्तों विस्तारित कैमियो के बारे में हम बात कर ले तो त्रिमूर्ति फिल्म के बैनर के तले इस फिल्म को बनाया गया था।
इस फिल्म के सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो परेश राव, दिलीप ताहिल, प्रेम चोपड़ा, सदाशिव, अमर पुरकर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। दोस्तों मुकेश ऋषि और प्रिया तेंदुलकर भी इस फिल्म में नजर आई थी। और फिल्म के साउंड डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो बीजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और इसे हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ थ्रिलर फिल्म में से एक माना जाता है। दोस्तों रिलीज होने पर गुप्त फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। एक साथ दोस्तों बात कर ले इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस फिल्म को 10 में से 7.5 स्टार की रेटिंग दी गई है और ये लिखा गया कि स्टाइलिश सिनेमेटोग्राफी के साथ खूबसूरत लोकेशंस और बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ ये मूवी अच्छी तरह से बनाई गई है। दोस्तों फिल्म में ये थ्रिलर मूवी की एक शैली में आती है और इसके किसी भी खेत की तुलना में काफी बेहतरीन मूवी बन जाती है। पूर्ववर्तियों ने किया था निर्देशक राजीव रॉय द्वारा इस विषय से अधिक जो है भयभीत नहीं है और इसीलिए पूरी बात को एक होश पोश नहीं बनाते हैं। आपको बता दें फिल्म की कहानी में बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकरार ने रहस्य और संगीत की प्रशंसा की थी। दोस्तों बात कर लेते हैं गुप्त मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों गुप्त फिल्म को 4 जुलाई 1997 को भारत में 250 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और फिल्म ने पहले दिन 9 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। इसी तरह इस फिल्म की एक हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म ने 27.8 मिलियन से अधिक की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ते के संग्रह के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फिल्म ने पहले हफ्ते में 53 मिलियन से अधिक की कमाई किया था, जिसमें भारत की सकल संग्रह 317.2 मिलियन हो गई थी और दुनिया भर के सकल संग्रह के बारे में हम बात कर ले तो 332 मिलियन से अधिक की कमाई किया था, जिसमें विदेशी सकल संग्रह 4,25,000 यूएसए था और फिल्म की समायोजित जो है शुद्ध सकल संग्रह 1.68 मिलियन से अधिक बतलाई गई थी। दोस्तों ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जो दिल तो पागल है मूवी बॉर्डर और परदेश के बाद साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। काजोल फिल्म पर पुरस्कारों के इतिहास में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जीतने वाली पहली अभिनेत्री इसी मूवी से बनी। जहाँ दोस्तों आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं गुप्त फिल्म को। अगर आप लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अभी आपको ये मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो जरूर आप मुझे नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस फिल्म में बॉबी देओल साहिल सिन्हा के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। बात कर ले मनीषा कोइराला के बारे में तो शीतल चौधरी के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है। इसी के साथ दोस्तों काजोल के बारे में हम बात कर ले तो ईशा दीवान के रूप में इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है। ओम पुरी इस फिल्म में इंस्पेक्टर उद्धम सिंह के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों राजबब्बर फिल्म में गवर्नर जय सिन्हा के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले परेश रावल के बारे में तो फिल्म में ईश्वर दीवान के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है राज्यपाल जय सिन्हा से, जो एक प्रमुख राजनीतिक इंसान है। वह प्रभावशाली उद्योगपति मेघनाथ चौधरी एवं समाजवादी संघ के नेता है। दोस्तों मूवी शुरू होते ही मीटिंग में सभी को दिखलाया जाता है। इसी मंडली में मंत्री जी भी जुड़े हुए उनके द्वारा ली गई बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जहाँ पे एक तरफ जय सिन्हा का एक चौतेला बेटा है जिसका नाम साहिल है। साहिल दोस्तों बॉबी देओल जो इस फिल्म में बॉबी देओल साहिल के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म में शुरुआत दौर में साहिल सिन्हा का रूप एक बहुत ही बिगड़ल इंसान के रूप में है और एक बहुत ही बिगड़ल लड़के के रूप में है। बता दे दोस्तों अनावश्यक व्यवहार है जो आसानी से जाने वाला युवक बन जाता है, जो उससे नाराज रहता है, हमेशा अपने पिता से नाराज रहता है। एक साथ दोस्तों आपको बता दे जय सिन्हा के निजी सचिव ईश्वर दीवान की बेटी ईशा साहिल के प्यार में रहती है। इसके साथ वह लंबे समय के बाद फिर से कॉलेज में मिल जाता है, क्योंकि ईशा को पिछले दिनों में बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था क्योंकि उन्हें प्यार हो गया था दोनों में और दोनों को अलग कर दिए गए थे। मेघनाथ की बेटी शीतल भी साहिल से प्यार करती है, लेकिन वह उसे केवल एक बहुत अच्छा दोस्त भी मानती है। इसी के साथ आपको बता दें जय सिन्हा ने शीतल को साहिल की सगाई की घोषणा कर दी एक पार्टी में, जिससे वो बहुत छिड़ गई और ये दोनों बाप बेटे बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। आपको बता दें साहिल ईशा के लिए अपने प्यार की घोषणा करता है, जो असहमत होती है इस बात से और गुस्से में आकर साहिल जय सिन्हा को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ शारदा उसे रोक देती है इस कत्ल करने से। और अगले दिन साहिल सिन्हा के परिवार के डॉक्टर गांधी के घर पे नशे से धुत पाए जाते हैं, जो साहिल को शीतल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की सलाह देता है। आपको बता दें ये तर्क देते हुए कि साहिल उसके साथ एक खुशहाल जीवन जिएगा, एक शराबी और अभी भी अडिक्ट साहिल घर पर लौटता है इसी नशे में और अपने सदमे से पाता है। दोस्तों जब घर में आता है तो उसको पता चलता है कि उसके पिता को किसी ने चाकू मार दी है। दोस्तों जब आधी रात में
घर पे पहुंचता है तो साहिल सिन्हा के पिता को किसी ने चाकू मार के वहां से भाग गया रहता है। अब उसके पिता मर जाते हैं जबकि शारदा आती है और साहिल को अपने मृत सौतेले पिता के पास चाकू पकड़े हुए पाती है। उसे हत्यारा मान लेती है और साहिल को गिरफ्तार करवा लिया जाता है और आपको बतला दे अदालत ले जाया जाता है जहाँ पे उसके कई जो है परिचित और शारदा के उसके खिलाफ जो है यानी कि गवाही देते हैं। कोर्ट में साहिल को दोषी पाया गया और उसे 14 साल के जेल की सजा सुनाई गई। साहिल को जेल ले जाने की ठीक पहले वह शीतल को एक हार सौंप देता है जिसका अर्थ है कि इसे हत्यारे द्वारा घटनास्थल पर छोड़ दिया गया था। वो उसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है, उसे यह भी बताता है कि उसने किसी भी यानी कि कीमत पर असली हथियार को खोजने का फैसला किया है। आखिरकार उसे सिन्हा के प्यार का एहसास हो जाता है। जब सिन्हा के वसीयत को पढ़ता है तो साहिल को ये एहसास हो जाता है कि उसके पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यार दोस्तों आपने सही सुना। एक साथ आपको बता दें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे गुप्त मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप गुप्त फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों गुप्त फिल्म आपको यूट्यूब पे अभी देखने को नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों अब आपको बता दें एक तरफ साहिल को जेल में बंद कर दिया जाता है। साहिल अपनी कहानी एक पुराने कैदी को पूरी तरह से बतलाता है जो उसे निर्दोष मानते हैं। कैदी साहिल को बताता है कि जेल में केवल एक ही भागने का रास्ता है। उस रास्ते पर पहुंचने के लिए साहिल को मारपीट करनी पड़ती है। दोस्तों बता दें साहिल के लिए ये काम करना बहुत ही आसान था क्योंकि जेल में केवल एक ही भागने का रास्ता है, एक ही सीवेज गटर पाइप जिसे जेल से एक जो है प्रयुक्त कक्ष में स्थित फ्लॉप और शौचालय से पहुंचता है। शौचालय से रास्ता जो है समुद्र की तरफ जाता है और कच्छ में इस तेज फ्लॉस और आपको बताया शौचालय से पहुंचा जा सकता है। साहिल को अन्य कैदियों के साथ जो है समस्या पैदा करनी पड़ती है, इससे जेलर उन्हें कच्छ में कैद कर देता है। तो एक काल कोठी में बंद करने के बाद बहुत ही ज्यादा प्रयास के बाद तीनों ने शीतल धारा वास्तविक नाव के साथ समुद्र के रास्ते जेल से भागने में सफल हो जाते हैं। और इधर पुलिस आयुक्त जो है यानी कि पाटवर्धन साहिल की फिर से गिरफ्तारी के मामले को संभालने के लिए एक ईमानदार और आपको बतला दें ईमानदार अधिकारी को खोजता है। इसी के साथ उधम सिंह को नियुक्त किया जाता है। साहिल चुपके से ईशा से उसके घर पर मिलने जाता है जहां पे वह डॉक्टर गांधी को सलाह के लिए बुलाता है। इसके अलावा आपको बता दें डॉक्टर गांधी साहिल को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। साहिल डॉक्टर के घर पहुंचता है, उससे पहले वहाँ पे कातिल पहुंच जाता है और डॉक्टर गांधी को भी कत्ल कर देता है। दोस्तों जैसे भी साहिल सिन्हा डॉक्टर गांधी के पास जाता है तो चिल्लाता है, उसे भागने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि डॉक्टर गांधी का नौकर साहिल को पुलिस को रिपोर्ट करता है कि लाश के पास उसी को देखा था। उधम सिंह शीतल से पूछताछ करता है जिसके साथ साहिल कभी भी अच्छे संबंध रखता था। शीतल ने कबूल किया कि उसने पिछली रात साहिल के साथ बिताई थी। शीतल चौधरी ने यहाँ तक कि उसको बतला दिया कि जेल से भागने में उसी ने मदद की है। दोस्तों ये सब कुछ जानने के बाद भी उधम सिंह उनको गलत जो है कामों के लिए शीतल को गिरफ्तार नहीं करता है क्योंकि आंशिक रूप से क्योंकि वह साहिल को पकड़ने पर अत्यधिक जो है ध्यान केंद्रित करता है। अधिकांश आपको बता दें आंशिक रूप से मेघनाथ के प्रभाव और धन के कारण करता है। अब इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों अब साहिल सिन्हा के ऊपर दो खून के कत्ल का इल्जाम आ गया है। अब दो हत्याओं का आरोप लगने के बाद साहिल का हत्यारे को खोजने का संकल्प और भी मजबूत हो गया है क्योंकि वह पहले अधिकतर जो है थाना वाला पर शक करता है क्योंकि थाना वाला के पास सिन्हा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और संपत्ति का हिस्सा प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा मौका था। आपको बता दें बशर्ते साहिल तस्वीर से बाहर हो जाता है और थाना वाले के कार्यालय में प्रवेश करता है और उससे बेरहमी से पूछताछ करता है। तो साहिल सिन्हा द्वारा उसे बहुत ज्यादा पीटा जाता है और बेरहमी से पूछताछ किया जाता है लेकिन नहीं बतलाने के बाद खिड़की से दूसरी मंजिल से उसे फेंक देता है। बताया दोस्तों वहां से थाना वाले ने खुलासा किया कि जब उन्होंने शुरू में सिन्हा की संपत्ति और संपत्ति के अपने हिस्से को हड़पने का इरादा किया था तो उन्हें हत्या नहीं की थी। दोस्तों थाना वाला ने ये सब कुछ कबूल कर लिया कि संपत्ति का हड़पने का उसका जो है इरादा था लेकिन उसने जो है उसके पिता की कत्ल नहीं की। दोस्तों उसके बाद जो है यह हत्या साहिल फिर जो है चौधरी से पूछताछ करता है। इस हत्या के बारे में साहिल जो है चौधरी के पास जाता है जिस पर उसे धोखेधारी के व्यापार पर और आपको बता दें प्रथाओं में शामिल होने के कारण संदेह है कि सिन्हा ने समर्थन नहीं किया लेकिन चौधरी का दावा यह है। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे गुप्त मूवी को। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अब चौधरी से पूछे जाने के बाद बेगुनाही का दावा किया और साहिल ने चौधरी के भाई को बेरहमी से पीटा क्योंकि वह
छुरा घोपने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसे पकड़ लेता था। आपको बता दें अगला हुआ बिलासराव झापे भरत जो है समाजवादी संघ के नेता था। इनके चौधरी और सिन्हा के साथ तनावपूर्ण संबंध थे। इन्हें जो है मंत्री जी पर उंगली उठाने से पहले साहिल ने पीटा था और यह आरोप लगाते हुए कि सिन्हा की हत्या एक राजनीतिक हत्या थी। जहाँ पे साहिल और आपको बता शीतल जो है मंत्री जी को एक समारोह में शामिल होने के लिए वहाँ पे बरगलाते हैं और उनका अपहरण कर लेते हैं। इसी बीच उधम सिंह भी वहाँ पे मौजूद होता है और उसे पता चलता है कि साहिल अपने मजबूत जो है संकल्प को देखकर असली हत्यारा नहीं है। आपको बता दें उधम सिंह ने आगे की जांच की और पाया कि हत्याएं एक ही यानि की निर्माण से हुई है और आकार के दो यानि की चाकुओं से की गई है। यह दर्शाती है कि वह एक सेठ जो है संबंधित हो सकते हैं और वह ईश्वर दीवान के घर पहुंच जाते हैं। ईश्वर दीवान के घर पे जाते हैं तो चाकुओं के साथ चाकू का पूरा सेट पाते हैं और दीवान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच जोशीहा और डॉक्टर गांधी की हत्या को कबूल कर लेता है। दीवान ने सिन्हा की हत्या करने का खुलासा किया क्योंकि इसने ईशा को अपनी जो है बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था और पहले आरोप लगाया था और आपको बताया छिपाने के लिए डॉक्टर गांधी की हत्या कर दी थी क्योंकि बाद वाले को अपने असली इरादों का एहसास हो गया था। उसी समय दोस्तों साहिल अपने और आपको बतला दे उबालकर मंत्री जी से पूछताछ करता है, लेकिन शीतल वहां पे चली आती है और उसे बताती है कि हत्यारा ईश्वर दीवान है और साहिल मंत्री जी को छोड़ देता है। तो जब शीतल ये बतलाती है कि इसके पिता ने कत्ल किए, ईश्वर दीवान ने पूरे कत्ल किए हैं, तो साहिल सिन्हा मंत्री जी को छोड़ देता है और ईशा ये सब कुछ जानकर चौंक जाती है और शीतल पर हमला करने की कोशिश करती है और बाद में अपने पिता से मिलने जाती है। जहाँ पे साहिल आखिरकार निर्दोष घोषित होने के बाद वह घर लौटता है और अपनी माँ और आपको बता दें सौतेले भाई के साथ सुलह कर लेता है। फिर भी दोस्तों अभी तक जो है साहिल अंदर से संतुष्ट नहीं है क्योंकि लॉकर जो उसको मिला था वो अभी तक एक पहेली थी। साहिल अपने सौतेले भाई हर्ष को वो हार दे देता है जो उसने पहले अपराध स्थल पर पाया था क्योंकि इस हार की प्रकृति अभी भी अज्ञात है क्योंकि साहिल को यह एहसास नहीं था कि इसे जो है खोला जा सकता है। किसी भी संदिग्ध के साथ इसे पहचाना नहीं जा सकता। हर्ष एक जो है पेचकस से एक साथ हार को खोल लेता है और आपको बताया साहिल को दिखाता है जो अंदर उसकी और ईशा की तस्वीर पाता है। यह एक जो है चौंकाने वाली सच्चाई की ओर ले जाता है। दोस्तों लॉकेट खुलने के बाद उसमें साहिल की और ईशा की तस्वीर मिलती है। यह एक चौंकाने वाली सच्चाई की ओर ले जाता है और इसे जो है असली हत्यारे। और इसी बीच ईशा उधम सिंह के घर पे प्रवेश कर लेती है जो उसे नहीं देखता है। बता दे दोस्तों क्योंकि वह एक पार्टी के बाद नशे में था इसे उसने जो है मामले को सुलझाने की सफलता के लिए फेंक दिया था। वह उसे कई बुरा यानी कि छाकू मार दिए घोप दिए और वहाँ पे पांडू और आपको बता दें नीलकंठ धरत देखे जाने से बच जाती है क्योंकि पांडू पुलिस स्टेशन जाता है जबकि जो है नीलकंठ उधम सिंह को अस्पताल ले जाता है। तो लॉकेट खुलने के बाद बॉबी देओल को इस सच्चाई का पता चल जाता है कि जितने भी खून हुए हैं वो जो है ईश्वर दीवान ने नहीं बल्कि उसकी बेटी ने की है। साहिल के प्रति लगाव इस हद तक उसका बढ़ गया था कि साहिल ने अपने जन्मदिन की पार्टी में उसके लिए अपने प्यार की घोषणा कर दी थी। वह किसी भी हाल में साहिल से अलग नहीं होना चाहती थी। अपने पिता के साथ साहिल के तर्क के बाद दीवान और ईशा इसी अगली जो है सुबह सिन्हा से मिलने गए थे और उनसे साहिल और ईशा को एकजुट करने का अनुरोध करने के लिए कहा था, जिस पर जो है बाद वाले ने अस्वीकार कर दिया था। उन्हें गुस्से में अपमानित किया गया था और उन्हें जाने के लिए कहा गया था। ईशा इतनी गुस्से में थी कि उसने बाद में सिन्हा की चाकू जो है मारकर हत्या कर दी। जब जो है डॉक्टर गांधी को पता चला कि वह अपराधी है तो उन्होंने उसे भी मार डाला था और दीवान कहता है कि ईशा ने उन लोगों को मार डाला जो उसकी राह में और आपको बता दें उसे जो है साहिल से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे और उसने सच्चाई का खुलासा करने और हत्याओं की जिम्मेदारी जो है स्वीकार करने पर विचार किया था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो साहिल उसे स्वीकार नहीं करेगा। अब इसके बाद आपको बता दे साहिल शब्दों से परे हैरान है लेकिन समझती है कि ईशा आगे जो है शीतल पर हमला करने की कोशिश करेगी। तो ये सारे सच्चाई जानने के बाद बॉबी देओल को फौरन शक हो जाता है कि अब जो है चुप नहीं रहेगी और वो जो है शीतल चौधरी पे हमला करेगी। दोस्तों मनीषा कुराला को बॉबी देओल फोन करके सारे माजरा समझा देते हैं और बोलते हैं कि घर पे किसी को आने नहीं देना। दोस्तों इस शब्दों से हैरान हो जाते हैं लेकिन समझते हैं कि ईशा आगे शीतल पर हमला करने की पूरी कोशिश करेगी। उसे फोन करता है और उसे पूरी चेतावनी देता है, घटना के बारे में बतलाता है, दरवाजे और प्रवेश द्वार जो है बंद करने के लिए कहता है और किसी को अंदर नहीं जाने के लिए भी कहता है। उसके घर जाता है लेकिन बाबू अन्नाधारा हमला किया जाता है बॉबी देओल के ऊपर और आपको बतला दे
हत्यारा जिसे पहले मंत्री जी ने साहिल और ईशा को मारने के लिए किराए पर लिया था। साहिल घायल हो जाता है लेकिन बाबू अन्ना को अक्षम करने और आपको बता दे पहुंचने में सफलता पाती है। शीतल साहिल की चेतावनी को मजाक में लेता है ये सोचकर उसके साथ कुछ निजी समय बिताने आ रहा है। और आपको बता दे जैसे ही ईशा उसके घर आता है तो शीतल को सबसे पहले ईशा ने मूर्ख बनाया क्योंकि ईशा अपने जो है दुर्व्यवहार के लिए झूठा माफी मांगती है। हालांकि ईशा अचानक शीतल पर हमला कर देती है, हल्ला बोल देती है और साहिल उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है और ईशा को शीतल से खींच लेता है जो साहिल की बाहों में दौड़कर आ जाती है। क्रोधित ईशा जो सोचती है कि वह अब साहिल के लिए कुछ भी नहीं है, अंतिम प्रयास में शीतल को चाकू मारने की कोशिश करती है लेकिन बाबू अन्ना हस्तक्षेप करने की पूरी कोशिश करता है। तो अब मनीषा कुराला पे काजल पूरी तरह से गुस्सा करती है, इसके बजाय वो उसे मार दिया जाता है। वहाँ पे एक घायल हो जाती है, कुछ हद तक जो है नशे में धुत जो है उद्यम सिंह निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। नीलकंठ के कई जो प्रयासों के बावजूद भी उसे आराम करने के लिए राजी करने के लिए आता है और आपको बता दें इसी बीच ईशा को गोली मार देते हैं उद्यम सिंह, इससे उसकी मौत हो जाती है। ईशा साहिल से माफ़ी मांगती है और उसके लिए अपने प्यार की पुष्टि करती है और उसकी बाहों में मर जाती है। अंत में मंत्री जो को भी अस्पताल ले जाया जाता है। नीलकंठ ने सभी को बेईमानी और आपको बता दें प्रथाओं में शामिल न होने की चेतावनी दी, उन्हें अपना शेष जो है जीवन अस्पताल में बिताने के लिए कहा क्योंकि वह सभी जो है स्थानीय रूप से विकलांग हो चुके थे और क्रेडिट के दौरान साहिल शीतल के साथ उस क्लब में शामिल हो जाता है जिससे वह फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। लेकिन अब यह जो है सिर्फ दो है, कोई नहीं है क्योंकि दोनों ने एक रिश्ते की शुरुआत की। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉबी देओल की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है गुप्त। तो दोस्तों अगर आप लोग गुप्त मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। गुप्त द हिडन थ्रूट मूवी द सीक्रेट इन 1997 इंडियन हिंदी लैंग्वेज थ्रिलर फिल्म एंड डायरेक्टेड बाय द राजीव रॉय एंड द फ्यूचरिंग बॉबी देओल इन द लीड रोल द लॉन्ग विद दी मनीषा कोइराला काजोल एंड ओम पुरी विद दी राज बब्बर एंड कुलभूषण खरबंदा इन द एक्सटेंडेड कोमियो एंड अंडर द बैनर त्रिमूर्ति फिल्म एंड द प्रेस राउट दिलीप ताहिल प्रेम चोपड़ा सदाशिव अमर पारकर एंड द शरद सक्सेना मुकेश राशि प्रिया तेंदुलकर इन द सपोर्टिंग रोल द फिल्म इन साउंड ऑफ द फिल्म वॉज द कंपोजर बाय द विजय शाह इन द को स्टार ऑफ द बीस्ट मूवी इन द फ्रॉम हिंदी सिनेमा। गवर्नर जय सिन्हा इज द एंड प्रोमाइंड द एंड पॉलिटिकल फिगर द ही एंड द प्रेसिडेंट ओवर द एंड मीटिंग टेकन द बॉय एंड इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्री द मेघना चौधरी एंड सोशलिस्ट द यूनियन लीडर बिलास राव द एंड मिनिस्टर द एंड मंत्री जी अमंग द ऑर्डर द एंड जय सिन्हा इन स्टूफन द साहिल इज द एंड अंटे द एंड अंदित वाय इन द विंग द यंग मैन द यू आर स्टैंड द हिम इन जय सिन्हा द एंड पर्सनल द सेक्रेटरी ईश्वर दीवान हिज द डॉटर इज द इज द साहिल ब्लोफेट द इन विद बी वुमेन हिन Reunited the after the long time, Isa was the insane to be in boarding school in the past. Did fell in love with the Meghnath is the daughter the Shital is the also in love with the Sahil but or the only married the in course that he very good friend in Jay Sinha the announcement the Sahil is the an engagement. Jay Sinha is the announcement Sahil engagement. Shital the leading to be argument the Sahil and degree that he love for the Isha to him the with the and degree to in the of the and Rekha Sahil tried to be in step the Jay Sinha but is the stupid by the his and mother and Shraddha the next day Sahil gets the end heavily the end drunk at the end house of the Dr. Gandhi. Sahil Sinha is the end finally the end doctor who the end advised the Sahil to accept the Shital as the end his wife the end reunited the end Sahil will be lead hit the end happier the life with be here the a and the drunk and still the end admit the Sahil Return home the end find of the two him the shock at the end so Miro hit the end stable the Sinha before the Sinha the end can the reveal the name of the end murder the he was the end will be shot the end arrive to be and find the Sahil here the knee in the dead step the father and holding to be and kindly assuming he the end clear the Sahil is the arrested the end taken to be in court where the end money of the he is the end accordingly shot the
इन द टेस्टी फाइदर इन अगेन टू बी साहिल द फाउंड इन गिल्टी इन द एंड सेंड द 14 ईयर्स इन द इंप्रोसन जस्ट बिफोर दिस साहिल इज द एंड ट्रांसपोर्ट टू विजिल इन द एंड हैंड्स ओवर द एंड नेकलेस टू शीतल इम्प्लाइंग हिज द एंड लेफ्ट द बेहिन एट द एंड स्कैन बाय द किलर ही द एस्केप टू हेयर टू कीप इज द सेफ ही ऑल्सो द टेल्स इन हेयर द साहिल इज द फाउंड द गिल्टी ही द सेंटेंस टू बी 14 ईयर्स इन द प्रोसन जस्ट बिफोर दिस साहिल इज द एंड ट्रांसपोर्टेड टू बी जेल ही द एंड हैंड्स ओवर एंड नेकलेस टू शीतल इम्प्लॉय टेक द लेफ्ट एंड बिहिन द एंड स्कैन बाय द एंड किल ही द स्केच फॉर द हु कीप इज द सेफ ही ऑल्सो टेल हेयर द एंड ही द डिसाइड टू बी फाइंड द रियल मर्डर टू एनी द कोर्स ही द एंड हैविंग फाइनली द रियलाइज सीन हर इज द लव फ्रॉम हिम In jail, the end Sahil the end read to be he story to be old man, old person who the end believed to him to be inducted the end the person till Sahil the in jail only has the end won the escape to en route the A and the S walk the end gutter the pipe to be key the end access to from the end floors and toilet the end located to be end on which the end combat of the in jail Sahil the created the end problem. With the two other person the end cooking to be and jailer to be confined in hit the end cambor after the end great offered the end the success in the expand to jail by the sea and with the end board the end arrange to buy the settle and police commissioner the end password the assigned to be in adum hit the end agreed to be police officer Udham Singh to be in handle The case of the Sahil to end the operation the Sahil the and the secretary meet Isha at the home where we end call Dr. Gandhi for the end advice to be Dr. Gandhi he the invite to be Sahil to his the end whole Sahil and asking to be Dr. the and Richard his the end secret to find out of the end soon baby he the Dr. Gandhi his the end serpent find up this Sahil and the did the Dr. Hind the end Circus the enforcement to be escaped Dr. Gandhi and severed the part of the Sahil and police. Udham Singh the and integrate the Sital with the whom the Sahil and mend the good relationship. Sital the comfort the whom the in the Sahil Sinha. दोस्तों इस मूवी के अंदर राज्यपाल सिन्हा एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे जो प्रभावशाली उद्योगपति मेघनाथ चौधरी एंड समाजवादी संघ के नेता बिलास राव और आपको बतला दें मंत्री जी द्वारा की गई बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जय सिन्हा का सौतेला बेटा साहिल एक बहुत ही अनाशक्त इंसान है और आसानी से जाने वाला युवक बन जाता है। इसके अलावा आपको बतला दें जय सिन्हा की निजी सचिव ईश्वर दीवान की बेटी ईशा साहिल के प्यार में पड़ जाती है जिसके साथ वह लंबे समय के बाद फिर से मिल जाता है क्योंकि ईशा को पिछले दिनों बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। मेघनाथ की बेटी शीतल भी साहिल से प्यार करती है लेकिन वह उसे केवल एक बहुत अच्छा दोस्त मानता है। जय सिन्हा ने शीतल को साहिल की सगाई की घोषणा कर दी एक पार्टी में जिससे बहस छिड़ गई दोनों बाप बेटा में। साहिल ईशा के लिए अपने प्यार की घोषणा करता है, इस बात से सहमत हो जाती है और गुस्से में आकर साहिल जय सिन्हा को चाकू मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मां शारदा उसे रोक देती है। अगले दिन साहिल सिन्हा को परिवार के डॉक्टर गांधी के घर पहुँच जाते हैं जहाँ पे नशे में धुत हो जाता है जो साहिल को शीतल को अपनी जो है पत्नी के रूम में स्वीकार करने की सलाह देता है और यह तर्क देते हुए कि साहिल उसके साथ एक खुशहाल जीवन जिएगा एक शराबी और अभी भी एक अडिक्ट जो है साहिल घर पर लौटता है और ये कसम खाकी कि मैं आज जो है रात अपने पिता के साथ जो है सुलह कर लूँगा या उसके साथ जो है निकल जाऊँगा। अपने सदमे से पाते हैं कि किसी ने सिन्हा को चाकू मार दिया है। उससे पहले कि सिन्हा हत्यारे के नाम का खुलासा कर सके वह मर जाता है जबकि शारदा आती है और साहिल को अपने मृत जो है सौतेले पिता के पास चाकू पकड़े हुए पाती है। हत्यारा मानता है कि साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ले जाया जाता है जहाँ पे उसके कई अपरिचित इंसान शारदा तक जो है उसकी मां तक जो उसके खिलाफ गवाही देती है। साहिल को दोषी पाया जाता है, उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। साहिल को जेल ले जाने से ठीक पहले वह शीतल को एक हार सौंपता है। इसका अर्थ है कि उसे हत्यारे द्वारा घटनास्थल पर छोड़ दिया गया था और वह उसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है। वह उसे यह भी बताता है कि उसने किसी भी यानी कि असली हथियार को खोजने का फैसला किया है। आखिरकार उसे सिन्हा के प्यार का एहसास हो जाता है। दोस्तों जेल में जाने के बाद बॉबी देओल को अपने पिता के प्यार का एहसास होता है लेकिन ये एहसास होने का क्या फ़ायदा क्योंकि उसके पिता को किसी और ने चाकू मार दिया था। दोस्तों इस फिल्म की कहानी 1997 की सबसे अधिक जो है पसंद की जाने वाली कहानी बन गई थी। अब दोस्तों जेल में जाने के बाद साहिल का बहुत बुरी तरह से स्वागत किया जाता है क्योंकि जेल के जो जेलर होता है उसे बहुत ज़्यादा पीटता है और साहिल अपनी कहानी
कहानी एक पुराने कैदी को बताता है जो उसे निर्दोष मानते हैं। कैदी साहिल को बताता है कि जेल में केवल एक भागने का रास्ता है, एक सीवेज गटर पाइप है जिसे जेल के एक उपयोग कक्ष में जाता है जहाँ पे स्थित जो है फ्लश शौचालय से पहुँचा जा सकता है। साहिल को अन्य कैदियों के साथ समस्या पैदा करना पड़ता है, इससे जेलर उन्हें कक्ष में कैद कर देते हैं। बहुत प्रयास के बाद जो है तीनों शीतलधारा एक जो है व्यवस्था की गई नाव के साथ समुद्र के रास्ते में जेल से भागने में सफल हो जाते हैं। पुलिस आयुक्त जो है पटवर्धन साहिल की फिर से गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढते हैं। मामले को संभालने के लिए ईमानदार और ईमानदार पुलिस अधिकारी उधम सिंह को नियुक्त करते हैं। साहिल चुपके से ईशा से उसके घर पे मिलने जाता है जहां पे डॉक्टर गांधी को सलाह के लिए बुलाया जाता है और डॉक्टर गांधी साहिल को अपने घर पे आमंत्रित करते हैं। साहिल डॉक्टर के घर पहुंचता है तो देखकर चौंक जाता है कि किसी ने डॉक्टर गांधी को चाकू मार दिया है। डॉक्टर गांधी का नौकर साहिल को मरीज जो है डॉक्टर के पास पाता है और चिल्लाता है, उसे भागने के लिए मजबूर करता है। डॉक्टर गांधी का नौकर साहिल को पुलिस को पूरी रिपोर्ट की जानकारी दे देता है। अब एक तरफ उधम सिंह शीतल से पूछताछ करते हैं जिसके साथ साहिल अभी भी अच्छे संबंध रखती है। आपको बता दें शीतल ने कबूल किया कि उसने पिछली रात साहिल के साथ बिताई थी और उसे जेल से भागने में मदद की थी। अब सिंह इन सब गलत कामों को देखकर सुनकर उसे गिरफ्तार नहीं करता है और आंशिक रूप से क्योंकि वह साहिल को पकड़ने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है और आपको बता दें आंशिक रूप से मेघनाथ के प्रभाव और धन के कारण वहाँ पर चला जाता है। अब आपको बता दें अब दो हत्याओं का आरोप लगने के बाद साहिल का हत्यारे को खोजने का संकल्प और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। पहले अधिकतर आपको बतला दे थाना वाला पर शक करता है साहिल, क्योंकि जो है थाना वाले के पास सिन्हा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और आपको बतला दे संपत्ति का हिस्सा प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा अच्छा मौका था। और आपको बता दे बशर्ते साहिल जो है तस्वीर से बाहर हो जाता है, थाना वाले के कार्यालय प्रवेश करता है और उसे जो है बिरहमी से पूछताछ करता है, उसे खिड़की से दूसरी मंजिल से दोस्तों साहिल सिन्हा थाने वाले को ऊपर से फेंक देता है। लेकिन थाना वाला उसको बतलाता है कि मैंने तुम्हारे पिता का कत्ल नहीं किया बल्कि उनकी संपत्ति हड़पने की जहां तक बात है इसकी मैंने अपने जो है यानी अंदर मन में ख्याल लाया था, लेकिन जो है मैंने तुम्हारे पिता की कत्ल नहीं की। दोस्तों इसके बाद मंत्री जी के ऊपर शक किया जाता है, उसके बाद बिलास राव को बहुत ज़्यादा पीटता है बॉबी देओल। दोस्तों इस मूवी की कहानी इसी चीज़ पर आधारित है, आपको इस मूवी की कहानी हम बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों रिलीज के पहले दिन इस फिल्म ने 9 मिलियन से अधिक की कमाई किया। फिल्म ने पूरे हफ्ते में 27 मिलियन से अधिक की कमाई किया था और इसी तरह ऑल टाइम फिल्म ने 317 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। दोस्तों ये मूवी साल की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बन गई थी क्योंकि दुनिया भर फिल्म ने 1.68 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले गुप्त मूवी के रिलीज डेट के बारे में। फिल्म को 1997 में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और ये मूवी 1997 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। यह दोस्तों आपने सही सुना, दोस्तों गुप्त फिल्म को 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म कहा जाता है। इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ मनीषा कोइराला, काजोल और ओम पुरी, राज बब्बर और कुलभूषण खरबंदा के साथ मुख्य भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए थे बॉबी देओल। दोस्तों विस्तारित कैमियों के बारे में हम बात कर ले तो त्रिमूर्ति फिल्म के बैनर के तले इस फिल्म को बनाया गया था। इस फिल्म के सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो परेश राव, दिलीप ताहिल, प्रेम चोपड़ा, सदाशिव, अमर पुरकर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। दोस्तों मुकेश ऋषि और प्रिया तेंदुलकर भी इस फिल्म में नजर आई थी और फिल्म के साउंड के बारे में हम बात कर ले तो बीजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और इसे हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ थ्रिलर फिल्म में से एक माना जाता है। दोस्तों रिलीज होने पर गुप्त फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। एक साथ दोस्तों बात कर ले इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, इस फिल्म को 10 में से 7.5 स्टार दी गई है और ये लिखा गया कि स्टाइलिश सिनेमेटोग्राफी के साथ खूबसूरत लोकेशंस और बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ ये मूवी अच्छी तरह से बनाई गई है। दोस्तों फिल्म में ये थ्रिलर मूवी की एक शैली में आती है और इसके किसी भी खेत की तुलना में काफी बेहतरीन मूवी बन जाती है। पूर्ववर्तियों ने किया था निर्देशक राजीव रॉय द्वारा इस विषय से अधिक जो है भयभीत नहीं है और इसीलिए पूरी बात को एक होश पोश नहीं बनाते हैं। आपको बता दें फिल्म की कहानी में बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकरार ने रहस्य और संगीत की प्रशंसा
प्रशंसा की थी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं गुप्त मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों गुप्त फिल्म को 4 जुलाई 1997 को भारत में 250 स्क्रीन पे रिलीज किया गया था और फिल्म ने पहले दिन 9 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। इसी तरह इस फिल्म की एक हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म ने 27.8 मिलियन से अधिक की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ते के संग्रह के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फिल्म ने पहले हफ्ते में 53 मिलियन से अधिक की कमाई किया था, जिसमें भारत की सकल संग्रह 317.2 मिलियन हो गई थी और दुनिया भर के सकल संग्रह के बारे में हम बात कर ले तो 332 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। इसमें विदेशी सकल संग्रह 4,25,000 यूएसए था और फिल्म की समायोजित जो है शुद्ध सकल संग्रह 1.68 मिलियन से अधिक बतलाई गई थी। दोस्तों ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जो दिल तो पागल है मूवी, बॉर्डर और परदेश के बाद साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। काजोल फिल्म पर पुरस्कारों के इतिहास में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जीतने वाली पहली अभिनेत्री इसी मूवी से बनी। जहाँ दोस्तों आपने सही सुना, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं गुप्त फिल्म को। अगर आप लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अभी आपको ये मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस फिल्म में बॉबी देओल साहिल सिन्हा के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। बात कर ले मनीषा कोइराला के बारे में तो शीतल चौधरी के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है। इसी के साथ दोस्तों काजोल के बारे में हम बात कर ले तो ईशा दीवान के रूप में इस फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई है। ओम पुरी इस फिल्म में इंस्पेक्टर उद्धम सिंह के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों राजबब्बर फिल्म में गवर्नर जय सिन्हा के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले परेश रावल के बारे में तो फिल्म में ईश्वर दीवान के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है राज्यपाल जय सिन्हा से, जो एक प्रमुख राजनीतिक इंसान है। वह प्रभावशाली उद्योगपति मेघनाथ चौधरी एवं समाजवादी संघ के नेता है। दोस्तों मूवी शुरू होते ही मीटिंग में सभी को दिखलाया जाता है। इसी मंडली में मंत्री जी भी जुड़े हुए उनके द्वारा ली गई बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जहाँ पे एक तरफ जय सिन्हा का एक चौतेला बेटा है जिसका नाम साहिल है। साहिल दोस्तों बॉबी देओल जो इस फिल्म में बॉबी देओल साहिल के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म में शुरुआत दौर में साहिल सिन्हा का रूप एक बहुत ही बिगड़ल इंसान के रूप में है और एक बहुत ही बिगड़ल लड़के के रूप में है। बता दे दोस्तों अनावश्यक व्यवहार है जो आसानी से जाने वाला युवक बन जाता है, जो उससे नाराज रहता है, हमेशा अपने पिता से नाराज रहता है। एक साथ दोस्तों आपको बता दे जय सिन्हा के निजी सचिव ईश्वर दीवान की बेटी ईशा साहिल के प्यार में रहती है। इसके साथ वह लंबे समय के बाद फिर से कॉलेज में मिल जाता है, क्योंकि ईशा को पिछले दिनों में बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था क्योंकि उन्हें प्यार हो गया था दोनों में और दोनों को अलग कर दिए गए थे। मेघनाथ की बेटी शीतल भी साहिल से प्यार करती है, लेकिन वह उसे केवल एक बहुत अच्छा दोस्त भी मानती है। इसी के साथ आपको बता दें जय सिन्हा ने शीतल को साहिल की सगाई की घोषणा कर दी एक पार्टी में, जिससे वो बहुत छिड़ गई और ये दोनों बाप बेटे बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाते हैं। आपको बता दें साहिल ईशा के लिए अपने प्यार की घोषणा करता है, जो असहमत होती है इस बात से और गुस्से में आकर साहिल जय सिन्हा को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ शारदा उसे रोक देती है इस कत्ल करने से। और अगले दिन साहिल सिन्हा के परिवार के डॉक्टर गांधी के घर पे नशे से धुत पाए जाते हैं, जो साहिल को शीतल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की सलाह देता है। आपको बतला दे ये तर्क देते हुए कि साहिल उसके साथ एक खुशहाल जीवन जिएगा, एक शराबी और अभी भी अडिक्ट साहिल घर पर लौटता है इसी नशे में और अपने सदमे से पाता है। दोस्तों जब घर में आता है तो उसको पता चलता है कि उसके पिता को किसी ने चाकू मार दी है। दोस्तों जब आधी रात में घर पे पहुंचता है तो साहिल सिन्हा के पिता को किसी ने चाकू मार के वहां से भाग गया रहता है। अब उसके पिता मर जाते हैं, जबकि शारदा आती है और साहिल को अपने मृत सौतेले पिता के पास चाकू पकड़े हुए पाती है। उसे हत्यारा मान लेती है और साहिल को गिरफ्तार करवा लिया जाता है और आपको बतला दे अदालत ले जाया जाता है, जहाँ पे उसके कई जो है परिचित और शारदा के उसके खिलाफ जो है यानी कि गवाही देते हैं कोर्ट में। साहिल को दोषी पाया गया और उसे 14 साल के जेल की सजा सुनाई गई। साहिल को जेल ले जाने की ठीक पहले वह शीतल को एक हार सौंप देता है, जिसका अर्थ है कि इसे हत्यारे द्वारा घटनास्थल पर छोड़ दिया गया था। वो उसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है, उसे यह भी बताता है कि उसने किसी भी यानी कि कीमत पर असली हथियार को खोजने का फैसला किया है। आखिरकार उसे सिन्हा के प्यार का एहसास हो जाता है। जब सिन्हा के वसीयत को पढ़ता है तो साहिल को ये एहसास हो जाता है कि उसके पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। या दोस्तों आपने सही सुना। एक साथ आपको बता दें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे गुप्त मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप गुप्त फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों गुप्त फिल्म आपको
YouTube पे अभी देखने को नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, अब आपको बता दें, एक तरफ साहिल को जेल में बंद कर दिया जाता है। साहिल अपनी कहानी एक पुराने कैदी को पूरी तरह से बतलाता है जो उसे निर्दोष मानते हैं। कैदी साहिल को बताता है कि जेल में केवल एक ही भागने का रास्ता है। उस रास्ते पर पहुंचने के लिए साहिल को मारपीट करनी पड़ती है। दोस्तों, बता दें, साहिल के लिए ये काम करना बहुत ही आसान था क्योंकि जेल में केवल एक ही भागने का रास्ता है, एक ही सीवेज गटर पाइप जिसे जेल से एक जो है प्रयुक्त कच में स्थित फ्लॉप और साफ शौचालय से पहुँचता है। शौचालय से रास्ता जो है समुद्र की तरफ जाता है और कच में इस तेज फ्लॉश और आपको बताया शौचालय से पहुंचा जा सकता है। साहिल को अन्य कैदियों के साथ जो है समस्या पैदा करनी पड़ती है, इससे जेलर उन्हें कच में कैद कर देता है। तो एक काल कोठी में बंद करने के बाद बहुत ही ज्यादा प्रयास के बाद तीनों ने शीतल धारा वास्तविक नाव के साथ समुद्र के रास्ते जेल से भागने में सफल हो जाते हैं। और इधर पुलिस आयुक्त जो है यानी कि पाटवर्धन साहिल की फिर से गिरफ्तारी के मामले को संभालने के लिए एक ईमानदार और आपको बतला दे ईमानदार पुलिस अधिकारी को खोजता है। इसी के साथ उधम सिंह को नियुक्त किया जाता है। साहिल चुपके से ईशा से उसके घर पर मिलने जाता है जहां पे वह डॉक्टर गांधी को सलाह के लिए बुलाता है। इसके अलावा आपको बताया डॉक्टर गांधी साहिल को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। साहिल डॉक्टर के घर पहुँचता है, उससे पहले वहाँ पे कातिल पहुंच जाता है और डॉक्टर गांधी को भी कत्ल कर देता है। दोस्तों, जैसे भी साहिल सेना डॉक्टर गांधी के पास जाता है तो चिल्लाता है, उसे भागने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि डॉक्टर गांधी का नौकर साहिल को पुलिस को रिपोर्ट करता है कि लाश के पास उसी को देखा था। उधम सिंह शीतल से पूछताछ करता है जिसके साथ साहिल कभी भी अच्छे संबंध रखता था। शीतल ने कबूल किया कि उसने पिछली रात साहिल के साथ बिताई थी। शीतल चौधरी ने यहां तक कि उसको बतला दिया कि जेल से भागने में उसी ने मदद की है। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के बाद भी उधम सिंह उनको गलत जो है कामों के लिए शीतल को गिरफ्तार नहीं करता है क्योंकि आंशिक रूप से क्योंकि वह साहिल को पकड़ने पर अत्यधिक जो है ध्यान केंद्रित करता है। अधिकांश आपको बता दें आंशिक रूप से मेघनाथ के प्रभाव और के कारण करता है। अब इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, अब साहिल सेना के ऊपर दो खून के कत्ल का इल्जाम आ गया है। अब दो हत्याओं का आरोप लगने के बाद साहिल का हत्यारों को खोजने का संकल्प और भी मजबूत हो गया है क्योंकि वह पहले अधिकतर जो है थाना वाला पर शक करता है क्योंकि थाना वाला के पास सिन्हा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और संपत्ति का हिस्सा प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा मौका था। आपको बता दें, बशर्ते साहिल तस्वीर से बाहर हो जाता है और थाना वाले के कार्यालय में प्रवेश करता है और उससे बेरहमी से पूछताछ करता है। तो साहिल सेना द्वारा उसे बहुत ज्यादा पीटा जाता है और बेरहमी से पूछताछ किया जाता है लेकिन बतलाने के बाद खिड़की से दूसरी मंजिल से उसे फेंक देता है। बताया दोस्तों, वहां से थाना वाला ने खुलासा किया कि जब उन्होंने शुरू में सिन्हा की संपत्ति और संपत्ति के अपने हिस्से को हड़पने का इरादा किया था तो उन्हें हत्या नहीं की थी। दोस्तों, थाना वाला ने ये सब कुछ कबूल कर लिया कि संपत्ति का हड़पने का उसका जो है इरादा था लेकिन उसने जो है उसके पिता की कत्ल नहीं की। दोस्तों, उसके बाद जो है यह हत्या साहिल फिर जो है चौधरी से पूछताछ करता है। इस हत्या के बारे में साहिल जो है चौधरी के पास जाता है जिस पर उसे धोखे धारी के व्यापार पर और आपको बता दें प्रथाओं में शामिल होने के कारण संदेह है कि सिन्हा ने समर्थन नहीं किया लेकिन चौधरी का दावा यह है। दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे गुप्त मूवी को। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब चौधरी से पूछे जाने के बाद बेगुनाही का दावा किया और साहिल ने चौधरी के भाई को बेरहमी से पीटा क्योंकि वह छुरा घोंपने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसे पकड़ लेता था। आपको बता दें, अगला वह बिलासराव जहाँ पे भरत जो है समाजवादी संघ के नेता था, इनके चौधरी और सिन्हा के साथ तनावपूर्ण संबंध थे। इन्हें जो है मंत्री जी पर उंगली उठाने से पहले साहिल ने पीटा था और यह आरोप लगाते हुए कि सिन्हा की हत्या एक राजनीतिक हत्या थी जहाँ पे साहिल और आपको बता शीतल जो है मंत्री जी को एक समारोह में शामिल होने के लिए वहाँ पे बरगलाते हैं और उनका अपहरण कर लेते हैं। इसी बीच उधम सिंह भी वहां पे मौजूद होता है और उसे पता चलता है कि साहिल अपने मजबूत जो है संकल्प को देखकर असली हत्यारा नहीं है। आपको बता दें, उधम सिंह ने आगे की जांच की और पाया कि हत्याएं एक ही यानि की निर्माण से हुई है और आकार के दो यानि की चाकुओं से की गई है। यह दर्शाती है कि वह एक सेठ जो है संबंधित हो सकते हैं और वह ईश्वर दीवान के घर पहुंच जाते हैं। ईश्वर दीवान के घर पे जाते हैं तो चाकुओं के साथ चाकू का पूरा सेट पाते हैं और दीवान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच जोशी और डॉक्टर गांधी की हत्या को कबूल कर लेता है।
दीवान ने सिन्हा की हत्या करने का खुलासा किया क्योंकि इसने ईशा को अपनी जो है बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था और पहले आरोप लगाया था और आपको बताया छिपाने के लिए डॉक्टर गांधी की हत्या कर दी थी क्योंकि बाद वाले को अपने असली इरादों का एहसास हो गया था। उसी समय दोस्तों साहिल अपने और आपको बतला दे उबालकर मंत्री जी से पूछताछ करता है लेकिन शीतल वहां पे चली आती है और उसे बताती है कि हत्यारा ईश्वर दीवान है और साहिल मंत्री जी को छोड़ देता है। तो जब शीतल ये बतलाती है कि इसके पिता ने कत्ल किए, ईश्वर दीवान ने पूरे कत्ल किए हैं, तो साहिल सिन्हा मंत्री जी को छोड़ देता है और ईशा ये सब कुछ जानकर चौंक जाती है और शीतल पर हमला करने की कोशिश करती है और बाद में अपने पिता से मिलने जाती है जहाँ पे साहिल आखिरकार निर्दोष घोषित होने के बाद वह घर लौटता है और अपनी माँ और आपको बता दे सौतेले भाई के साथ सुलह कर लेता है। फिर भी दोस्तों अभी तक जो है साहिल अंदर से संतुष्ट नहीं है क्योंकि लॉकर जो उसको मिला था वो अभी तक एक पहेली थी। साहिल अपने सौतेले भाई हर्ष को वो हार दे देता है जो उसने पहले अपराध स्थल पर पाया था क्योंकि इस हार की प्रकृति अभी भी अज्ञात है क्योंकि साहिल को यह एहसास नहीं था कि इसे जो है खोला जा सकता है। किसी भी संदिग्ध के साथ इसे पहचाना नहीं जा सकता। हर्ष एक जो है पेचकस से एक साथ हार को खोल लेता है और आपको बताया साहिल को दिखाता है जो अंदर उसकी और ईशा की तस्वीर पाता है। यह एक जो है चौंकाने वाली सच्चाई की ओर ले जाता है। दोस्तों लॉकेट खुलने के बाद उसमें साहिल की और ईशा की तस्वीर मिलती है। यह एक चौंकाने वाली सच्चाई की ओर ले जाता है और इसे जो है असली हत्यारे और इसी बीच ईशा उधम सिंह के घर पे प्रवेश कर लेती है जो उसे नहीं देखता है। बता दे दोस्तों क्योंकि वह एक पार्टी के बाद नशे में था इसे उसने जो है मामले को सुलझाने की सफलता के लिए फेंक दिया था। वह उसे कई बुरा यानी कि छाकू मार दिए घोप दिए और वहाँ पे पांडू और आपको बता दे नीलकंठ धरत देखे जाने से बच जाती है क्योंकि पांडू पुलिस स्टेशन जाता है जबकि जो है नीलकंठ उधम सिंह को अस्पताल ले जाता है। तो लॉकेट खुलने के बाद बॉबी देओल को इस सच्चाई का पता चल जाता है कि जितने भी खून हुए हैं वो जो है ईश्वर दीवान ने नहीं बल्कि उठ की उसकी बेटी ने की है। साहिल के प्रति लगाव इस हद तक उसका बढ़ गया था कि साहिल ने अपने जन्मदिन की पार्टी में उसके लिए अपने प्यार की घोषणा कर दी थी। वह किसी भी हाल में साहिल से अलग नहीं होना चाहती थी। अपने पिता के साथ साहिल के तर्क के बाद दीवान और ईशा इसी अगली जो है सुबह सिन्हा से मिलने गए थे और उनसे साहिल और ईशा को एकजुट करने का अनुरोध करने के लिए कहा था जिस पर जो है बाद वाले ने अस्वीकार कर दिया था। उन्हें गुस्से में अपमानित किया गया था और उन्हें जाने के लिए कहा गया था। ईशा इतनी गुस्से में थी कि उसने बाद में सिन्हा की चाकू जो है मारकर हत्या कर दी। जब जो है डॉक्टर गांधी को पता चला कि वह अपराधी है तो उन्होंने उसे भी मार डाला था और दीवान कहता है कि ईशा ने उन लोगों को मार डाला जो उसकी राह में और आपको बताया उसे जो है साहिल से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे और उसने सच्चाई का खुलासा करने और हत्याओं की जिम्मेदारी जो है स्वीकार करने पर विचार किया था लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो साहिल उसे स्वीकार नहीं करेगा। अब इसके बाद आपको बता दे साहिल शब्दों से परे हैरान है लेकिन समझती है कि ईशा आगे जो है शीतल पर हमला करने की कोशिश करेगी। तो ये सारी सच्चाई जानने के बाद बॉबी देओल को फौरन शक हो जाता है कि अब जो है चुप नहीं रहेगी और वो जो है शीतल चौधरी पे हमला करेगी। दोस्तों मनीषा कुराला को बॉबी देओल फोन करके सारे माजरा समझा देते हैं और बोलते हैं कि घर पे किसी को आने नहीं देना। दोस्तों इस शब्द से हैरान हो जाते हैं लेकिन समझते हैं कि ईशा आगे शीतल पर हमला करने की पूरी कोशिश करेगी। उसे फोन करता है और उसे पूरी चेतावनी देता है, घटना के बारे में बतलाता है, दरवाजे और प्रवेश द्वार जो है बंद करने के लिए कहता है और किसी को अंदर नहीं जाने के लिए भी कहता है। उसके घर जाता है लेकिन बाबू अन्नाधारा हमला किया जाता है बॉबी देओल के ऊपर और आपको बतला दे हत्यारा जिसे पहले मंत्री जी ने साहिल और ईशा को मारने के लिए किराए पर लिया था साहिल घायल हो जाता है लेकिन बाबू अन्ना को अक्षम करने और आपको बता दे पहुंचने में सफलता पाती है। शीतल साहिल की चेतावनी को मजाक में लेता है ये सोचकर उसके साथ कुछ निजी समय बिताने आ रहा है और आपको बता दे जैसे ही ईशा उसके घर आता है तो शीतल को सबसे पहले ईशा ने मूर्ख बनाया क्योंकि ईशा अपने जो है दुर्व्यवहार के लिए झूठा माफ़ी मांगती है। हालांकि ईशा अचानक शीतल पर हमला कर देती है, हल्ला बोल देती है और साहिल उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है और ईशा को शीतल से खींच लेता है जो साहिल की बाहों में दौड़कर आ जाती है। क्रोधित ईशा जो सोचती है कि वह अब साहिल के लिए कुछ भी नहीं है अंतिम प्रयास में शीतल को चाकू मारने की कोशिश करती है लेकिन बाबू अन्ना हस्तक्षेप करने की पूरी कोशिश करता है। तो अब मनीषा कुराला पे काजल पूरी तरह से गुस्सा करती है, इसके बजाय वो उसे मार दिया जाता है। वहाँ पे एक घायल हो जाती है, कुछ हद तक जो है नशे में धुत जो है उधम सिंह निकल
निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। नीलकंठ के कई जो प्रयासों के बावजूद भी उसे आराम करने के लिए राजी करने के लिए आता है। और आपको बता दें, इसी बीच ईशा को गोली मार देते हैं उधम सिंह, इससे उसकी मौत हो जाती है। ईशा साहिल से माफी मांगती है और उसके लिए अपने प्यार की पुष्टि करती है और उसकी बाहों में मर जाती है। अंत में मंत्री जो को भी अस्पताल ले जाया जाता है। नीलकंठ ने सभी को बेईमानी और आपको बता दें प्रथाओं में शामिल न होने की चेतावनी दी। उन्हें अपना शेष जो है जीवन अस्पताल में बिताने के लिए कहा, क्योंकि वह सभी जो है स्थानीय रूप से विकलांग हो चुके थे और क्रेडिट के दौरान साहिल शीतल के साथ उस क्लब में शामिल हो जाता है जिससे वह फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। लेकिन अब यह जो है सिर्फ दो है, कोई नहीं है, क्योंकि दोनों ने एक रिश्ते की शुरुआत की। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉबी देओल की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है गुप्त। तो दोस्तों, अगर आप लोग गुप्त मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बन रहिएगा। गुप्त द हिडन थ्रूट मूवीज द सेक्रेट इन 1997 इंडियन हिंदी लैंग्वेज थ्रिलर फिल्म एंड डायरेक्टेड बाय द राजीव रॉय एंड द फ्यूचरिंग बॉबी देओल इन द लीड रोल द लॉन्ग विद दी मनीषा कोइराला काजोल एंड ओम पुरी विद दी राज बब्बर एंड कुलभूषण खरबंदा इन द एक्सटेंडेड कोमियो एंड अंडर दी बैनर त्रिमूर्ति फिल्म एंड द प्रेश राउत दिलीप ताहिल प्रेम चोपड़ा सदाशिव अमर पारकर एंड द शरद सक्सेना मुकेश राशि प्रिया तेंदुलकर इन द सुपरिंग रोल द फिल्म इन साउंड ऑफ द फिल्म वॉज द कंपोजर बाय द विजय शाह इन द को स्टार ऑफ द बिस्ट मूवी इन द फ्रॉम हिंदी सिनेमा। गवर्नर जय सिन्हा इज द एन प्रोमाइंड एन पोलिटिकल फिगर द ही एंड द प्रेसिडर ओवर द एन मीटिंग टेकन द बॉय एंड इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्री द मेघना चौधरी इन सोशलिस्ट द यूनियन लीडर बिलास राव द एंड मिनिस्टर द एन मंत्री जी अमंग द ऑर्डर द एन जय सिन्हा इन स्टूफेंदर साहिल इज द एन अंटे द एन अंदित बॉय इन द विंग द यंग मैन द यूर स्टैंड द हिम इन जय सिन्हा द एन पर्सनल द सेक्रेटरी ईश्वर दीवान इज द डॉटर इज द इज द साहिल ब्लोफेट द इन विद बी वुमेन हिन Reunited the after the long time, Isha was then sent to be in boarding school in the past. Did the fell in love with the Meghnath is the daughter the Sheetal is the also in love with the Sahil but or the only married the in coaches that the he very good friend in Jay Sinha the announcement the Sahil is the in engagement. Jay Sinha is the announcement Sahil engagement. Sheetal the little to be argument the Sahil and degree the he love for the Isha to him the with the and degree to in the of the in Rega Sahil tried to be in step the Jay Sinha but is the stupid by the his in mother in Shraddha the next day Sahil gets the in heavily the end room at the in house of the Dr. Gandhi. Sahil Sinha is the in finally the end doctor who the end it was the Sahil to accept the Sheetal as the in his wife the end reunited the in Sahil will be lead hit the in happy the life with be here the a and the drunk and still the in admin the Sahil Return home the end, find of the two him the shock at the end. So Miro hit the end, stable the Sinha before the Sinha the end can the reveal the name of the end murder the he was the end will be shot the end arrive to be end find the Sahil here the knee in the dead step the father and holding to be end kindly assuming he the end clear the Sahil is the arrested the end taken to be end court where the end money of the he the end equally shot the. In the testify the end again to be Sahil the found and guilty in the end sentenced the 14 years in the end prison just before this Sahil is the end transport to be jail he the end hands over the end necklace to Sheetal implying he the end left the behind at the end scan by the killer he the escape to here to keep it the safe he also the tells in here that the Sahil is the found the guilty he the sentenced to be 14 years in the prison just before this Sahil is the end transported to be jail he the end hands over a necklace to Sheetal employee take the left and behind the end escape by the end kill he the escapes for the who keep it the safe he also tell here the and he the decide to be find the real murder to any the cause he the end having finally the realized Sinha is the law from him In jail the end Sahil the end related to be he is story to be old man old person who the end believed to him to be inducted the end the personal tell Sahil the in jail only has the end one the escape to en route the a and the s walk the in gutter the pipe to be key the and access to from the in floor and toilet the in located to be in on which the end combar of the in jail Sahil the created the end problem
विद दी टू अदर पर्सन द एंड कुजिंग टू बी एंड जिलर टू बी कन्फाइंड थिन हिट द एंड कंबोर आफ्टर द एंड ग्रेट ऑफर दी एंड द सक्सेस इन द एक्सपैंड टू जेल बाय द सी एंड विद द एंड बोर्ड द एंड अरेंज टू बाय द सीटल एंड पुलिस कमिश्नर द एंड पाथ वर द असाइन टू बी एन अदम हिज द एंड एग्रीड टू बी पुलिस ऑफिसर उधम सिंह टू बी एन हैंडल The case of the Sahil to end the approach in the Sahil the and secretary the meet Isha at the home where we and call Dr. Gandhi for the end advice to be Dr. Gandhi he the invite to be Sahil to his the and whole Sahil and listening to be Dr. the and Richard his the and secret to find out of the end soon baby he the Dr. Gandhi he the and serpent find up the Sahil and the did the doctor in the end Circus the enforcement to be escaped Dr. Gandhi and severed the part of the Sahil and police. Udham Singh the and integrate the Sital with the whom the Sahil and meant the good in good relationship. Sital the comfort the whom the in the Sahil Sinha. दोस्तों इस मूवी के अंदर राज्यपाल सिन्हा एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे जो प्रभावशाली उद्योगपति मेघनाथ चौधरी एवं समाजवादी संघ के नेता बिलास राव और आपको बता दें मंत्री जी द्वारा की गई बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जय सिन्हा का सौतेला बेटा साहिल एक बहुत ही अनाशक्त इंसान है और आसानी से जाने वाला युवक बन जाता है। इसके अलावा आपको बता दें जय सिन्हा के निजी सचिव ईश्वर दीवान की बेटी ईशा साहिल के प्यार में पड़ जाती है। इसके साथ वह लंबे समय के बाद फिर से मिल जाता है क्योंकि ईशा को पिछले दिनों बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। मेघनाथ की बेटी शीतल भी साहिल से प्यार करती है लेकिन वह उसे केवल एक बहुत अच्छा दोस्त मानता है। जय सिन्हा ने शीतल को साहिल की सगाई की घोषणा कर दी एक पार्टी में जिससे बहस छिड़ गई दोनों बाप बेटा में। साहिल ईशा के लिए अपने प्यार की घोषणा करता है, इस बात से सहमत हो जाती है और गुस्से में आकर साहिल जय सिन्हा को चाकू मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मां शारदा उसे रोक देती है। अगले दिन साहिल सिन्हा को परिवार के डॉक्टर गांधी के घर पहुँच जाते हैं जहाँ पे नशे में धुत हो जाता है, जो साहिल को शीतल को अपनी जो है पत्नी के रूम में स्वीकार करने की सलाह देता है और यह तर्क देते हुए कि साहिल उसके साथ एक खुशहाल जीवन जिएगा। एक शराबी और अभी भी एक अडिक जो है साहिल घर पे लौटता है और ये कसम खाकी कि मैं आज जो है रात अपने पिता के साथ जो है सुलह कर लूँगा या उसके साथ जो है निकल जाऊँगा। अपने सदमे से पाते हैं कि किसी ने सिन्हा को चाकू मार दिया है। उससे पहले कि सिन्हा हत्यारे के नाम का खुलासा कर सके वह मर जाता है जबकि शारदा आती है और साहिल को अपने मृत जो है सौतेले पिता के पास चाकू पकड़े हुए पाती है। हत्यारा मानता है कि साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ले जाया जाता है जहाँ पर उसके कई अपरिचित इंसान शारदा तक जो है उसकी माँ तक जो उसके खिलाफ गवाही देती है। साहिल को दोषी पाया जाता है, उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। साहिल को जेल ले जाने से ठीक पहले वह शीतल को एक हार सौंपता है जिसका अर्थ है कि उसे हत्यारे द्वारा घटनास्थल पर छोड़ दिया गया था और वह उसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है। वह उसे यह भी बताता है कि उसने किसी भी यानी कि असली हथियार को खोजने का फैसला किया है। आखिरकार उसे सिन्हा के प्यार का एहसास हो जाता है। दोस्तों जेल में जाने के बाद बॉबी देओल को अपने पिता के प्यार का एहसास होता है लेकिन ये एहसास होने का क्या फ़ायदा क्योंकि उसके पिता को किसी और ने चाकू मार दिया था। दोस्तों इस फिल्म की कहानी 1997 की सबसे अधिक जो है पसंद की जाने वाली कहानी बन गई थी। अब दोस्तों जेल में जाने के बाद साहिल का बहुत बुरी तरह से स्वागत किया जाता है क्योंकि जेल के जो जेलर होता है उसे बहुत ज़्यादा पीटता है और साहिल अपनी कहानी एक पुराने कैदी को बताता है जो उसे निर्दोष मानते हैं। कैदी साहिल को बताता है कि जेल में केवल एक भागने का रास्ता है, एक सीवेज गटर पाइप है जिसे जेल के एक उपयुक्त कक्ष में जाता है जहाँ पे स्थित जो है फ्लश शौचालय से पहुँचा जा सकता है। साहिल को अन्य कैदियों के साथ समस्या पैदा करना पड़ता है, इससे जेलर उन्हें कक्ष में कैद कर देते हैं। बहुत प्रयास के बाद जो है तीनों शीतल धारा एक जो है व्यवस्था की गई नाव के साथ समुद्र के रास्ते में जेल से भागने में सफल हो जाते हैं। पुलिस आयुक्त जो है पटवर्धन साहिल की फिर से गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढते हैं। मामले को संभालने के लिए ईमानदार पुलिस अधिकारी उधम सिंह को नियुक्त करते हैं। साहिल चुपके से ईशा से उसके घर पे मिलने जाता है जहां पे डॉक्टर गांधी को सलाह के लिए बुलाया जाता है और डॉक्टर गांधी साहिल को अपने घर पे आमंत्रित करते हैं। साहिल डॉक्टर के घर पहुंचता है तो देखकर चौंक जाता है कि किसी ने डॉक्टर गांधी को चाकू मार दिया है। डॉक्टर गांधी का नौकर साहिल को मृत जो है डॉक्टर के पास पाता है और चिल्लाता है, उसे भागने के लिए मजबूर करता है। डॉक्टर गांधी का नौकर साहिल को पुलिस को पूरी रिपोर्ट की जानकारी दे देता है।
अब एक तरफ उद्धम सिंह शीतल से पूछताछ करते हैं, जिसके साथ साहिल अभी भी अच्छे संबंध रखती है। आपको बता दें, शीतल ने कबूल किया कि उसने पिछली रात साहिल के साथ बिताई थी और उसे जेल से भागने में मदद की थी। अब सिंह इन सब गलत कामों को देखकर सुनकर उसे गिरफ्तार नहीं करता है और आंशिक रूप से, क्योंकि वह साहिल को पकड़ने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है। और आपको बता दें, आंशिक रूप से मेघनाथ के प्रभाव और धन के कारण वहां पे चला जाता है। अब आपको बता दें, अब दो हत्याओं का आरोप लगने के बाद साहिल का हत्यारे को खोजने का संकल्प और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। पहले अधिकतर आपको बता दें, थाना वाला पर शक करता है साहिल, क्योंकि जो है थाना वाले के पास सिन्हा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और आपको बता दें संपत्ति का हिस्सा प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा अच्छा मौका था। और आपको बता दें, बशर्ते साहिल जो है तस्वीर से बाहर हो जाता है, थाना वाले के कार्यालय प्रवेश करता है और उसे जो है बिरहमी से पूछताछ करता है, उसे खिड़की से दूसरी मंजिल से। दोस्तों, साहिल सिन्हा थाने वाले को ऊपर से फेंक देता है, लेकिन थाना वाला उसको बतलाता है कि मैंने तुम्हारे पिता का कत्ल नहीं किया, बल्कि उनकी संपत्ति हड़पने की जहां तक बात है, इसकी मैंने अपने जो है यानी अंदर मन में ख्याल लाया था, लेकिन जो है मैंने तुम्हारे पिता की कत्ल नहीं की। दोस्तों, इसके बाद मंत्री जी के ऊपर शक किया जाता है, उसके बाद बिलास राव को बहुत ज्यादा पीटता है बॉबी देओल। दोस्तों, इस मूवी की कहानी इसी चीज पे आधारित है, आपको इस मूवी की कहानी हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, रिलीज के पहले दिन इस फिल्म ने 9 मिलियन से अधिक की कमाई किया। फिल्म ने पूरे हफ्ते में 27 मिलियन से अधिक की कमाई किया था और इसी तरह ऑल टाइम फिल्म ने 317 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। दोस्तों, ये मूवी साल की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बन गई थी, क्योंकि दुनिया भर फिल्म ने 1.68 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों, बात कर ले गुप्त मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो फिल्म को 1997 में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और ये मूवी 1997 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। यह दोस्तों आपने सही सुना। दोस्तों, गुप्त फिल्म को 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म कहा जाता है। इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ मनीषा कोइराला, काजोल और ओम पुरी, राज बब्बर और कुलभूषण खरबंदा के साथ मुख्य भूमिकाओं में फिल्म में नजर आए थे बॉबी देओल। दोस्तों, विस्तारित कैमियो के बारे में हम बात कर ले तो त्रिमूर्ति फिल्म के बैनर के तले इस फिल्म को बनाया गया था। इस फिल्म के सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो परेश राव, दिलीप ताहिल, प्रेम चोपड़ा, सदाशिव, अमर पुरकर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। दोस्तों, मुकेश ऋषि और प्रिया तेंदुलकर भी इस फिल्म में नजर आई थी। और फिल्म के साउंड आर्ट के बारे में हम बात कर ले तो बीजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और इसे हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ थ्रिलर फिल्म में से एक माना जाता है। दोस्तों, रिलीज होने पर गुप्त फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। एक साथ दोस्तों, बात कर ले इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। इस फिल्म को 10 में से 7.5 स्टार की रेटिंग दी गई है और ये लिखा गया कि स्टाइलिश सिनेमेटोग्राफी के साथ, खूबसूरत लोकेशंस और बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ ये मूवी अच्छी तरह से बनाई गई है। दोस्तों, फिल्म में ये थ्रिलर मूवी की एक शैली में आती है और इसके किसी भी खेत की तुलना में काफी बेहतरीन मूवी बन जाती है। पूर्ववर्तियों ने किया था, निर्देशक राजीव रॉय द्वारा इस विषय से अधिक जो है भयभीत नहीं है और इसीलिए पूरी बात को एक होश पोश नहीं बनाते हैं। आपको बता दें, फिल्म की कहानी में बॉलीवुड के मोहम्मद अली इकरार ने रहस्य और संगीत की प्रशंसा की थी। दोस्तों, बात कर लेते हैं गुप्त मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, गुप्त फिल्म को 4 जुलाई 1997 को भारत में 250 स्क्रीन पे रिलीज किया गया था और फिल्म ने पहले दिन 9 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। इसी तरह इस फिल्म की एक हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म ने 27.8 मिलियन से अधिक की कमाई कर ली थी। पहले हफ्ते के संग्रह के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों, फिल्म ने पहले हफ्ते में 53 मिलियन से अधिक की कमाई किया था, जिसमें भारत की सकल संग्रह 317.2 मिलियन हो गई थी और दुनिया भर के सकल संग्रह के बारे में हम बात कर ले तो 332 मिलियन से अधिक की कमाई किया था, इसमें विदेशी सकल संग्रह 4,25,000 यूएसए था और फिल्म की समायोजित जो है शुद्ध सकल संग्रह 1.68 मिलियन से अधिक बतलाई गई थी। दोस्तों, ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जो दिल तो पागल है मूवी, बॉर्डर और परदेश के बाद साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। काजोल फिल्म पर पुरस्कारों के इतिहास में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जीतने वाली पहली अभिनेत्री इसी मूवी से बनी। जहाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं गुप्त फिल्म को। अगर आप लोग इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अभी आपको ये मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस फिल्म में बॉबी देओल साहिल सिन्हा के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। बात कर ले मनीषा कोइराला के बारे में तो शीतल चौधरी के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है। इसी के साथ दोस्तों, काजोल के बारे में हम बात कर ले तो ईशा दीवान के रूप में इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर
नजर आई है। ओमपुरी इस फिल्म में इंस्पेक्टर उधम सिंह के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों राजबब्बर फिल्म में गवर्नर जय सिन्हा के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले परेश रावल के बारे में, तो फिल्म में ईश्वर दीवान के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है राज्यपाल जय सिन्हा से, जो एक प्रमुख राजनीतिक इंसान है। वह प्रभावशाली उद्योगपति मेघनाथ चौधरी एवं समाजवादी संघ के नेता है। दोस्तों मूवी शुरू होते ही मीटिंग में सभी को दिखलाया जाता है। इसी मंडली में मंत्री जी भी जुड़े हुए उनके द्वारा ली गई बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जहाँ पे एक तरफ जय सिन्हा का एक चौतेला बेटा है जिसका नाम साहिल है। साहिल दोस्तों बॉबी देओल है, जो इस फिल्म में बॉबी देओल साहिल के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म में शुरुआत दौर में साहिल सेना का रूप एक बहुत ही बिगड़ल इंसान के रूप में है और एक बहुत ही बिगड़ल लड़के के रूप में है। बता दे दोस्तों अनावश्यक व्यवहार है, जो आसानी से जाने वाला युवक बन जाता है, जो उससे नाराज रहता है, हमेशा अपने पिता से नाराज रहता है। एक साथ दोस्तों आपको बता दे जय सिन्हा की निजी सचिव ईश्वर दीवान की बेटी ईशा साहिल के प्यार में रहती है। इसके साथ वो लंबे समय के बाद फिर से कॉलेज में मिल जाता है, क्योंकि ईशा को पिछले दिनों में बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था, क्योंकि उन्हें प्यार हो गया था दोनों में और दोनों को अलग कर दिए गए थे। मेघनाथ की बेटी शीतल भी साहिल से प्यार करती है, लेकिन वह उसे केवल एक बहुत अच्छा दोस्त भी मानती है। इसी के साथ आपको बता दे जय सिन्हा ने शीतल को साहिल की सगाई की घोषणा कर दी एक पार्टी में, जिससे वो बहुत छिड़ गई और ये दोनों बाप बेटे बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाते हैं। आपको बता दे साहिल ईशा के लिए अपने प्यार की घोषणा करता है, जो असहमत होती है इस बात से और गुस्से में आकर साहिल जय सिन्हा को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ शारदा उसे रोक देती है इस कत्ल करने से। और अगले दिन साहिल सिन्हा के परिवार के डॉक्टर गांधी के घर पे नशे से धुत पाए जाते हैं, जो साहिल को शीतल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की सलाह देता है। आपको बतला दे ये तर्क देते हुए कि साहिल उसके साथ एक खुशहाल जीवन जिएगा, एक शराबी और अभी भी अडिक साहिल घर पर लौटता है इसी नशे में और अपने सदमे से पाता है। दोस्तों जब घर में आता है तो उसको पता चलता है कि उसके पिता को किसी ने चाकू मार दी है। दोस्तों जब आधी रात में घर पे पहुंचता है तो साहिल सिन्हा के पिता को किसी ने चाकू मार के वहां से भाग गया रहता है। अब उसके पिता मर जाते हैं, जबकि शारदा आती है और साहिल को अपने मृत सौतेले पिता के पास चाकू पकड़े हुए पाती है। उसे हत्यारा मान लेती है और साहिल को गिरफ्तार करवा लिया जाता है और आपको बतला दे अदालत ले जाया जाता है, जहाँ पे उसके कई जो है परिचित और शारदा के उसके खिलाफ जो है यानी कि गवाही देते हैं कोर्ट में। साहिल को दोषी पाया गया और उसे 14 साल के जेल की सजा सुनाई गई। साहिल को जेल ले जाने की ठीक पहले वह शीतल को एक हार सौंप देता है, इसका अर्थ है कि इसे हत्यारे द्वारा घटनास्थल पर छोड़ दिया गया था। वो उसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है, उसे यह भी बताता है कि उसने किसी भी यानी की कीमत पर असली हथियार को खोजने का फैसला किया है। आखिरकार उसे सिन्हा के प्यार का एहसास हो जाता है। जब सिन्हा के वसीयत को पढ़ता है तो साहिल को ये एहसास हो जाता है कि उसके पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। या दोस्तों आपने सही सुना। एक साथ आपको बता दें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुप्त मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप गुप्त फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों गुप्त फिल्म आपको YouTube पे अभी देखने को नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों अब आपको बता दें एक तरफ साहिल को जेल में बंद कर दिया जाता है, साहिल अपनी कहानी एक पुराने कैदी को पूरी तरह से बतलाता है, जो उसे निर्दोष मानते हैं। कैदी साहिल को बताता है कि जेल में केवल एक ही भागने का रास्ता है, उस रास्ते पर पहुंचने के लिए साहिल को मारपीट करनी पड़ती है। दोस्तों बता दें साहिल के लिए ये काम करना बहुत ही आसान था, क्योंकि जेल में केवल एक ही भागने का रास्ता है, एक ही सीवेज गटर पाइप जिसे जेल से एक जो है प्रयुक्त कच में स्थित फ्लॉप और शौचालय से पहुंचता है। शौचालय से रास्ता जो है समुद्र की तरफ जाता है और कच में स्थित फ्लॉप और आपको बताया शौचालय से पहुंचा जा सकता है। साहिल को अन्य कैदियों के साथ जो है समस्या पैदा करनी पड़ती है, इससे जेलर उन्हें कच में कैद कर देता है। तो एक काल कोठी में बंद करने के बाद बहुत ही ज्यादा प्रयास के बाद तीनों ने शीतल धारा वास्तविक नाव के साथ समुद्र के रास्ते जेल से भागने में सफल हो जाते हैं। और इधर पुलिस आयुक्त जो है यानी कि पाटवर्धन साहिल की फिर से गिरफ्तारी के मामले को संभालने के लिए एक ईमानदार और आपको बता दें ईमानदार पुलिस अधिकारी को खोजता है। इसी के साथ उधम सिंह को नियुक्त किया जाता है। साहिल चुपके से ईशा से उसके घर पर मिलने जाता है, जहाँ पे वह डॉक्टर गांधी को सलाह के लिए बुलाता है। इसके अलावा आपको बता दें डॉक्टर गांधी साहिल को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। साहिल डॉक्टर के घर पहुँचता है, उससे पहले वहाँ पे कातिल पहुंच जाता है और डॉक्टर गांधी को भी कत्ल कर देता है। दोस्तों जैसे भी साहिल सिन्हा डॉक्टर गांधी के पास जाता है तो चिल्लाता है, उसे भागने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर गांधी का नौकर साहिल को पुलिस को रिपोर्ट करता है कि
लाश के पास उसी को देखा था। उद्यम सिंह शीतल से पूछताछ करता है जिसके साथ साहिल कभी भी अच्छे संबंध रखता था। शीतल ने कबूल किया कि उसने पिछली रात साहिल के साथ बिताई थी। शीतल चौधरी ने यहाँ तक कि उसको बतला दिया कि जेल से भागने में उसी ने मदद की है। दोस्तों ये सब कुछ जानने के बाद भी उद्यम सिंह उनको गलत जो है कामों के लिए शीतल को गिरफ्तार नहीं करता है, क्योंकि आंशिक रूप से क्योंकि वह साहिल को पकड़ने पर अत्यधिक जो है ध्यान केंद्रित करता है। अधिकांश आपको बता दें आंशिक रूप से मेघनाथ के प्रभाव और धन के कारण करता है। अब इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों अब साहिल सेना के ऊपर दो खून के कत्ल का इल्जाम आ गया है। अब दो हत्याओं का आरोप लगने के बाद साहिल का हत्यारे को खोजने का संकल्प और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि वह पहले अधिकतर जो है थाना वाला पर शक करता है, क्योंकि थाना वाला के पास सिन्हा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और संपत्ति का हिस्सा प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा मौका था। आपको बता दें बशर्ते साहिल तस्वीर से बाहर हो जाता है और थाना वाले के कार्यालय में प्रवेश करता है और उससे बेरहमी से पूछताछ करता है। तो साहिल सिन्हा द्वारा उसे बहुत ज्यादा पीटा जाता है और बेरहमी से पूछताछ किया जाता है, लेकिन नहीं बतलाने के बाद खिड़की से दूसरी मंजिल से उसे फेंक देता है। बताए दोस्तों वहां से थाना वाला ने खुलासा किया कि जब उन्होंने शुरू में सिन्हा की संपत्ति और संपत्ति के अपने हिस्से को हड़पने का इरादा किया था तो उन्हें हत्या नहीं की थी। दोस्तों थाना वाला ने ये सब कुछ कबूल कर लिया कि संपत्ति का हड़पने का उसका जो है इरादा था, लेकिन उसने जो है उसके पिता की कत्ल नहीं की। दोस्तों उसके बाद जो है यह हत्या साहिल फिर जो है चौधरी से पूछताछ करता है। इस हत्या के बारे में साहिल जो है चौधरी के पास जाता है, जिस पर उसे धोखेधारी के व्यापार पर और आपको बता दें प्रथाओं में शामिल होने के कारण संदेह है कि सिन्हा ने समर्थन नहीं किया, लेकिन चौधरी का दावा यह है। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे गुप्त मूवी को। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अब चौधरी से पूछे जाने के बाद बेगुनाही का दावा किया और साहिल ने चौधरी के भाई को बेरहमी से पीटा, क्योंकि वह छुरा घोंपने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसे पकड़ लेता था। आपको बता दें अगला वह बिलासराव जहाँ पे भरत जो है समाजवादी संघ के नेता था, इनके चौधरी और सिन्हा के साथ तनावपूर्ण संबंध थे। इन्हें जो है मंत्री जी पर उंगली उठाने से पहले साहिल ने पीटा था और यह आरोप लगाते हुए कि सिन्हा की हत्या एक राजनीतिक हत्या थी, जहां पे साहिल और आपको बता शीतल जो है मंत्री जी को एक समारोह में शामिल होने के लिए वहां पे बरगलाते हैं और उनका अपहरण कर लेते हैं। इसी बीच उद्यम सिंह भी वहाँ पे मौजूद होता है और उसे पता चलता है कि साहिल अपने मजबूत जो है संकल्प को देखकर असली हत्यारा नहीं है। आपको बता दें उद्यम सिंह ने आगे की जांच की और पाया कि हत्याएं एक ही यानि की निर्माण से हुई है और आकार के दो यानि की चाकुओं से की गई है। यह दर्शाती है कि वह एक सेठ जो है संबंधित हो सकते हैं और वह ईश्वर दीवान के घर पहुँच जाते हैं। ईश्वर दीवान के घर पर जाते हैं तो चाकुओं के साथ चाकू का पूरा सेट पाते हैं और दीवान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच जोशीनहा और डॉक्टर गांधी की हत्या को कबूल कर लेता है। दीवान ने सिन्हा की हत्या करने का खुलासा किया क्योंकि इसने ईशा को अपनी जो है बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था और पहले आरोप लगाया था और आपको बताया छिपाने के लिए डॉक्टर गांधी की हत्या कर दी थी, क्योंकि बाद वाले को अपने असली इरादों का एहसास हो गया था। उसी समय दोस्तों साहिल अपने और आपको बतला दे उबालकर मंत्री जी से पूछताछ करता है, लेकिन शीतल वहां पे चली आती है और उसे बताती है कि हत्यारा ईश्वर दीवान है और साहिल मंत्री जी को छोड़ देता है। तो जब शीतल ये बतलाती है कि इसके पिता ने कत्ल किए, ईश्वर दीवान ने पूरे कत्ल किए हैं, तो साहिल सिन्हा मंत्री जी को छोड़ देता है और ईशा ये सब कुछ जानकर चौंक जाती है और शीतल पर हमला करने की कोशिश करती है और बाद में अपने पिता से मिलने जाती है, जहाँ पे साहिल आखिरकार निर्दोष घोषित होने के बाद वह घर लौटता है और अपनी माँ और आपको बता दें सौतेले भाई के साथ सुलह कर लेता है। फिर भी दोस्तों अभी तक जो है साहिल अंदर से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लॉकर जो उसको मिला था वो अभी तक एक पहेली थी। साहिल अपने सौतेले भाई हर्ष को वो हार दे देता है जो उसने पहले अपराध स्थल पर पाया था, क्योंकि इस हार की प्रकृति अभी भी अज्ञात है, क्योंकि साहिल को यह एहसास नहीं था कि इसे जो है खोला जा सकता है। किसी भी संदिग्ध के साथ इसे पहचाना नहीं जा सकता। हर्ष एक जो है पेचकस से एक साथ हार को खोल लेता है और आपको बताया साहिल को दिखाता है जो अंदर उसकी और ईशा की तस्वीर पाता है। यह एक जो है चौंकाने वाली सच्चाई की ओर ले जाता है। दोस्तों लॉकेट खुलने के बाद उसमें साहिल की और ईशा की तस्वीर मिलती है। यह एक चौंकाने वाली सच्चाई की ओर ले जाता है और इसे जो है असली हत्यारे। और इसी बीच ईशा उधम सिंह के घर पे प्रवेश कर लेती है जो उसे नहीं देखता है। बता दें दोस्तों क्योंकि
युवा एक पार्टी के बाद नशे में था। इसे उसने जो है मामले को सुलझाने की सफलता के लिए फेंक दिया था। वह उसे कई बुरा यानी कि छाकू मार दिए, घोप दिए और वहाँ पे पांडू और आपको बता दें नीलकंठ धारा देखे जाने से बच जाती है, क्योंकि पांडू पुलिस स्टेशन जाता है जबकि जो है नीलकंठ उधम सिंह को अस्पताल ले जाता है। तो लॉकेट खुलने के बाद बॉबी देओल को इस सच्चाई का पता चल जाता है कि जितने भी खून हुए हैं वो जो है ईश्वर दीवान ने नहीं बल्कि उसकी उसकी बेटी ने की है। साहिल के प्रति लगाव इस हद तक उसका बढ़ गया था कि साहिल ने अपने जन्मदिन की पार्टी में उसके लिए अपने प्यार की घोषणा कर दी थी। वह किसी भी हाल में साहिल से अलग नहीं होना चाहती थी। अपने पिता के साथ साहिल के तर्क के बाद दीवान और ईशा इसी अगली जो है सुबह सिन्हा से मिलने गए थे और उनसे साहिल और ईशा को एकजुट करने का अनुरोध करने के लिए कहा था, जिस पर जो है बाद वाले ने अस्वीकार कर दिया था। उन्हें गुस्से में अपमानित किया गया था और उन्हें जाने के लिए कहा गया था। ईशा इतनी गुस्से में थी कि उसने बाद में सिन्हा की चाकू जो है मारकर हत्या कर दी। जब जो है डॉक्टर गांधी को पता चला कि वह अपराधी है तो उन्होंने उसे भी मार डाला था और दीवान कहता है कि ईशा ने उन लोगों को मार डाला जो उसकी राह में और आपको बताया उसे जो है साहिल से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे और उसने सच्चाई का खुलासा करने और हत्याओं की जिम्मेदारी जो है स्वीकार करने पर विचार किया था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो साहिल उसे स्वीकार नहीं करेगा। अब इसके बाद आपको बता दे साहिल शब्दों से परे हैरान है लेकिन समझती है कि ईशा आगे जो है शीतल पर हमला करने की कोशिश करेगी। तो ये सारी सच्चाई जानने के बाद बॉबी देओल को फौरन शक हो जाता है कि अब जो है चुप नहीं रहेगी और वो जो है शीतल चौधरी पे हमला करेगी। दोस्तों मनीषा कुराला को बॉबी देओल फोन करके सारे माजरा समझा देते हैं और बोलते हैं कि घर पे किसी को आने नहीं देना। दोस्तों इस शब्दों से हैरान हो जाती है लेकिन समझती है कि ईशा आगे शीतल पर हमला करने की पूरी कोशिश करेगी। उसे फोन करता है और उसे पूरी चेतावनी देता है, घटना के बारे में बतलाता है, दरवाजे और प्रवेश द्वार जो है बंद करने के लिए कहता है और किसी को अंदर नहीं जाने के लिए भी कहता है। उसके घर जाता है लेकिन बाबू अन्नाधारा हमला किया जाता है बॉबी देओल के ऊपर और आपको बतला दे हत्यारा जिसे पहले मंत्री जी ने साहिल और ईशा को मारने के लिए किराए पर लिया था, साहिल घायल हो जाता है लेकिन बाबू अन्ना को अक्षम करने और आपको बता दे पहुंचने में सफलता पाती है। शीतल साहिल की चेतावनी को मजाक में लेता है ये सोचकर उसके साथ कुछ निजी समय बिताने आ रहा है और आपको बता दे जैसे ही ईशा उसके घर आता है तो शीतल को सबसे पहले ईशा ने मूर्ख बनाया क्योंकि ईशा अपने जो है दुर्व्यवहार के लिए झूठा माफी मांगती है। हालांकि ईशा अचानक शीतल पर हमला कर देती है, हल्ला बोल देती है और साहिल उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है और ईशा को शीतल से खींच लेता है जो साहिल की बाहों में दौड़कर आ जाती है। क्रोधित ईशा जो सोचती है कि वह अब साहिल के लिए कुछ भी नहीं है, अंतिम प्रयास में शीतल को चाकू मारने की कोशिश करती है लेकिन बाबू अन्ना हस्तक्षेप करने की पूरी कोशिश करता है। तो अब मनीषा कुराला पे काजल पूरी तरह से गुस्सा करती है, इसके बजाय वो उसे मार दिया जाता है। वहाँ पे एक घायल हो जाती है। कुछ हद तक जो है नशे में धुत जो है उधम सिंह निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। नीलकंठ के कई जो प्रयासों के बावजूद भी उसे आराम करने के लिए राजी करने के लिए आता है और आपको बता दें इसी बीच ईशा को गोली मार देते हैं उधम सिंह, इससे उसकी मौत हो जाती है। ईशा साहिल से माफ़ी मांगती है और उसके लिए अपने प्यार की पुष्टि करती है और उसकी बाहों में मर जाती है। अंत में मंत्री जो को भी अस्पताल ले जाया जाता है। नीलकंठ ने सभी को बेईमानी और आपको बता दें प्रथाओं में शामिल न होने की चेतावनी दी। उन्हें अपना शेष जो है जीवन अस्पताल में बिताने के लिए कहा क्योंकि वह सभी जो है स्थानीय रूप से विकलांग हो चुके थे और क्रेडिट के दौरान साहिल शीतल के साथ उस क्लब में शामिल हो जाता है जिससे वह फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, लेकिन अब यह जो है सिर्फ दो है, कोई नहीं है क्योंकि दोनों ने एक रिश्ते की शुरुआत की। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉबी देओल की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है गुप्त। तो दोस्तों अगर आप लोग गुप्त मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बन रहिएगा। गुप्त द हिडन थ्रूट मूवीज द सीक्रेट इन 1997 इंडियन हिंदी लैंग्वेज थ्रिलर फिल्म एंड डायरेक्टेड बाय द राजीव रॉय एंड द फ्यूचरिंग बॉबी देओल इन द लीड रोल द लॉन्ग विद दी मनीषा कोइराला काजोल एंड ओम पुरी विद दी राज बब्बर एंड कुलभूषण खरबंदा इन द एक्सटेंडेड द कोमियो एंड अंडर दी बैनर त्रिमूर्ति फिल्म एंड द प्रेस राउट दिलीप ताहिल प्रेम चोपड़ा सदाशिव अमर पारकर एंड द शरद सक्सेना मुकेश राशि प्रिया तेंदुलकर इन द सुपरिंग रोल द फिल्म इन साउंड ऑफ द फिल्म वॉज द कंपोजर बाय द विजय साह इन द को स्टार ऑफ द बीस्ट मूवी इन द फ्रॉम हिंदी सिनेमा।
गवर्नर जय सिन्हा इज द एंड प्रोमाइंड द एंड पॉलिटिकल फिगर द ही एंड द प्रेसिडेंट ओवर द एंड मीटिंग टेकन द बॉय एंड इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल द मेघना चौधरी एंड सोशलिस्ट द यूनियन लीडर बिलासराव द एंड मिनिस्टर द एंड मंत्री जी अमंग द ऑर्डर द एंड जय सिन्हा एंड स्टूडेंट द साहिल इज द एंड अंटे द एंड अंदित बॉय इन द विंग द यंग मैन द यू आर रिस्टेंट द हिम एंड जय सिन्हा द एंड पर्सनल द सेक्रेटरी ईश्वर दीवान इज द डॉटर इज द साहिल ब्लोफेट द इन विद बी वुमेन हिन रोनिटेड द आफ्टर द लॉन्ग टाइम ईसा वॉज द इन सेंट टू बी इन बोर्डिंग स्कूल इन द इन द पास्ट दी द फिल इन लव इज द मेघनाथ इज द डॉटर द शीतल इज द ऑल्सो इन लव विद द साहिल बट और द ओनली ओनली मेरी द इन कोचिंग डायरेक्टर ही वेरी गुड फ्रेंड इन जय सिन्हा द अनाउंसमेंट द साहिल इज द इन एंगेजमेंट जय सिन्हा इज द अनाउंसमेंट साहिल एंगेजमेंट शीतल द लीडिंग टू बी आर्गूमेंट द साहिल एंड डिग्री द ही लव फॉर द ईशा टू हिंदी विद द एंड डिग्री टू इन द ऑफ द एन रेखा साहिल ट्राइड टू बी एन स्टेप द जय सिन्हा बट इज द स्टूड बाय द हिज एंड मदर एंड श्रद्धा द नेक्स्ट डे साहिल गेट्स द एंड हैवली द एंड रूम एट द एंड हाउस ऑफ द डॉक्टर गांधी साहिल सिन्हा इज द एंड फैमिली द एंड डॉक्टर हु द एंड एड वाइज द साहिल टू एक्सेप्ट द शीतल एट द इन हिज वेब द एंड रिस्टेड इन साहिल विल बी लीड हिज द एंड हैपर द लाइफ विद बी हियर द ए एंड द ट्रंक एंड स्टिल द एन एडमेंट द साहिल Return home the end, find of the two him the shock at the end. So Miru hit the end, stable the Sinha before the Sinha the end can the reveal the name of the end murder the he was the end will be Shraddha in arrive to be and find the Sahil here the knee in the dead step the father and holding to be and kindly assuming he the and clear the Sahil is the arrested the end taken to be in court where the end money of the he is the end equally Shraddha. In the testify the end again to be Sahil the found and guilty in the end sentence the 14 years in the end prison just before this Sahil is the end transport to vigil in the end hands over the end necklace to Sital implying he's the end left the behind at the end scan by the killer he the escape to here to keep it the safe he also the tells in here that the Sahil is the found the guilty he the sentenced to be 14 years in the prison just before this Sahil is the end transported to be jail he the end hands over and necklace to Sital employee third the left and behind the end scan by the end kill he the escapes for the who keep it the safe he also tell here the and he the decide to be find the real murder to any the cause he the end having finally the realized Sinha is the law from him in jail the and Sahil the and read to be he story to be old man old person who the and believe to him to be inducted the and the personal till Sahil the in jail only had the and won the escape to and route the A and the S walk the and got out the pipe to be key the and access to from the and floss and toilet the and located to be in on which the and combat of the in jail Sahil the created the and problem with the two other person the and causing to be and jailer to be confined in hit the and cambor after the and great offer the and the success in the expand to jail by the sea and with the and board the and arrange to buy the settle and police commissioner the and path were the assigned to be in adum hit the and agreed to be police officer Udham Singh to be in handle the case of the Sahil to end the apprehend the Sahil the and secretary meet Isha at the home where be and call Dr. Gandhi for the end advent to be Dr. Gandhi he the invite to be Sahil to his the and whole Sahil and seem to be Dr. the and Richard he the instructed to find out of the end some baby he the Dr. Gandhi he the and serpent find up this Sahil and the did the Dr. in the end Circus the enforcement to be escaped Dr. Gandhi and severed the part of the Sahil and police Udham Singh the and integrate the Sital with the whom the Sahil and mend the good in the good relationship Sital the comfort the whom the in the Sahil Sinha. दोस्तों इस मूवी के अंदर राज्यपाल सिन्हा एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे जो प्रभावशाली उद्योगपति मेघनाथ चौधरी एवं समाजवादी संघ के नेता बिलासराव और आपको बता दें मंत्री जी द्वारा की गई बैठक की अध्यक्षता करते हैं
जय सिन्हा का सौतेला बेटा साहिल एक बहुत ही अनाशक्त इंसान है और आसानी से जाने वाला युवक बन जाता है। इसके अलावा आपको बता दें, जय सिन्हा की निजी सचिव ईश्वर दीवान की बेटी ईशा साहिल के प्यार में पड़ जाती है, जिसके साथ वो लंबे समय के बाद फिर से मिल जाता है, क्योंकि ईशा को पिछले दिनों बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। मेघनाथ की बेटी शीतल भी साहिल से प्यार करती है, लेकिन वह उसे केवल एक बहुत अच्छा दोस्त मानता है। जय सिन्हा ने शीतल को साहिल की सगाई की घोषणा कर दी एक पार्टी में, जिससे बहस छिड़ गई दोनों बाप बेटा में। साहिल ईशा के लिए अपने प्यार की घोषणा करता है, इस बात से सहमत हो जाती है और गुस्से में आकर साहिल जय सिन्हा को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मां शारदा उसे रोक देती है। अगले दिन साहिल सिन्हा को परिवार के डॉक्टर गांधी के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे नशे में धुत हो जाता है, जो साहिल को शीतल को अपनी जो है पत्नी के रूम में स्वीकार करने की सलाह देता है, और यह तर्क देते हुए कि साहिल उसके साथ एक खुशहाल जीवन जिएगा। एक शराबी और अभी भी एक अडिक जो है साहिल घर पे लौटता है और ये कसम खाकी कि मैं आज जो है रात अपने पिता के साथ जो है सुलह कर लूँगा या उसके साथ जो है निकल जाऊँगा। अपने सदमे से पाते हैं कि किसी ने सिन्हा को चाकू मार दिया है। उससे पहले कि सिन्हा हत्यारे के नाम का खुलासा कर सके, वह मर जाता है, जबकि शारदा आती है और साहिल को अपने मृत जो है सौतेले पिता के पास चाकू पकड़े हुए पाती है। हत्यारा मानता है कि साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ले जाया जाता है, जहाँ पे उसके कई अपरिचित इंसान शारदा तक जो है उसकी माँ तक जो उसके खिलाफ गवाही देती है। साहिल को दोषी पाया जाता है, उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। साहिल को जेल ले जाने से ठीक पहले वह शीतल को एक हार सौंपता है, जिसका अर्थ है कि उसे हत्यारे द्वारा घटनास्थल पर छोड़ दिया गया था और वह उसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है। वह उसे यह भी बताता है कि उसने किसी भी यानी कि असली हथियार को खोजने का फैसला किया है। आखिरकार उसे सिन्हा के प्यार का एहसास हो जाता है। दोस्तों, जेल में जाने के बाद बॉबी देओल को अपने पिता के प्यार का एहसास होता है, लेकिन ये एहसास होने का क्या फ़ायदा, क्योंकि उसके पिता को किसी और ने चाकू मार दिया था। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी 1997 की सबसे अधिक जो है पसंद की जाने वाली कहानी बन गई थी। अब दोस्तों, जेल में जाने के बाद साहिल का बहुत बुरी तरह से स्वागत किया जाता है, क्योंकि जेल के जो जेलर होता है उसे बहुत ज़्यादा पीटता है, और साहिल अपनी कहानी एक पुराने कैदी को बताता है जो उसे निर्दोष मानते हैं। कैदी साहिल को बताता है कि जेल में केवल एक भागने का रास्ता है, एक सीवेज गटर पाइप है, जिसे जेल के एक उपयुक्त कक्ष में जाता है, जहाँ पे स्थित जो है फ्लश शौचालय से पहुंचा जा सकता है। साहिल को अन्य कैदियों के साथ समस्या पैदा करना पड़ता है, इससे जेलर उन्हें कक्ष में कैद कर देते हैं। बहुत प्रयास के बाद जो है तीनों शीतल धारा एक जो है व्यवस्था की गई नाव के साथ समुद्र के रास्ते में जेल से भागने में सफल हो जाते हैं। पुलिस आयुक्त जो है पटवर्धन साहिल की फिर से गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढते हैं। मामले को संभालने के लिए ईमानदार पुलिस अधिकारी उधम सिंह को नियुक्त करते हैं। साहिल चुपके से ईशा से उसके घर पे मिलने जाता है, जहां पे डॉक्टर गांधी को सलाह के लिए बुलाया जाता है और डॉक्टर गांधी साहिल को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। साहिल डॉक्टर के घर पहुँचता है तो देखकर चौंक जाता है कि किसी ने डॉक्टर गांधी को चाकू मार दिया है। डॉक्टर गांधी का नौकर साहिल को मृत जो है डॉक्टर के पास पाता है और चिल्लाता है, उसे भागने के लिए मजबूर करता है। डॉक्टर गांधी का नौकर साहिल को पुलिस को पूरी रिपोर्ट की जानकारी दे देता है। अब एक तरफ उधम सिंह शीतल से पूछताछ करते हैं, जिसके साथ साहिल अभी भी अच्छे संबंध रखती है। आपको बता दें, शीतल ने कबूल किया कि उसने पिछली रात साहिल के साथ बिताई थी और उसे जेल से भागने में मदद की थी। अब सिंह इन सब गलत कामों को देखकर सुनकर उसे गिरफ्तार नहीं करता है, और आंशिक रूप से क्योंकि वह साहिल को पकड़ने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है, और आपको बता दें आंशिक रूप से मेघनाथ के प्रभाव और धन के कारण वहाँ पर चला जाता है। अब आपको बता दें, अब दो हत्याओं का आरोप लगने के बाद साहिल का हत्यारे को खोजने का संकल्प और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। पहले अधिकतर आपको बतला दें, थाना वाला पर शक करता है साहिल, क्योंकि जो है थाना वाले के पास सिन्हा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और आपको बतला दें संपत्ति का हिस्सा प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा अच्छा मौका था। और आपको बता दें, बशर्ते साहिल जो है तस्वीर से बाहर हो जाता है, थाना वाले के कार्यालय प्रवेश करता है और उसे जो है बिरहमी से पूछताछ करता है, उसे खिड़की से दूसरी मंजिल से। दोस्तों, साहिल सिन्हा थाने वाले को ऊपर से फेंक देता है, लेकिन थाना वाला उसको बतलाता है कि मैंने तुम्हारे पिता का कत्ल नहीं किया, बल्कि उनकी संपत्ति हड़पने की जहां तक बात है, इसकी मैंने अपने जो है यानी अंदर मन में ख्याल लाया था, लेकिन जो है मैंने तुम्हारे पिता की कत्ल नहीं की। दोस्तों, इसके बाद मंत्री जी के ऊपर शक किया जाता है, उसके बाद बिलास राव को बहुत ज्यादा पीटता है बॉबी देओल। दोस्तों, इस मूवी की कहानी इसी चीज पर आधारित है, आपको इस मूवी की कहानी हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों रिलीज के पहले दिन इस फिल्म ने 9 मिलियन से अधिक की कमाई किया। फिल्म ने पूरे हफ्ते में 27 मिलियन से अधिक की कमाई किया था और इसी तरह ऑल टाइम फिल्म ने 317 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। दोस्तों ये मूवी साल की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बन गई थी क्योंकि दुनिया भर फिल्म ने 1.68 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। काजोल के बारे में हम बात कर ले तो ईशा दीवान के रूप में इस फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई है। ओम पुरी इस फिल्म में इंस्पेक्टर उद्धम सिंह के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों राजबोर फिल्म में गवर्नर जय सिन्हा के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले परेश रावल के बारे में तो फिल्म में ईश्वर दीवान के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है राज्यपाल जय सिन्हा से, जो एक प्रमुख राजनीतिक इंसान है। वह प्रभावशाली उद्योगपति मेघनाथ चौधरी एवं समाजवादी संघ के नेता है। दोस्तों मूवी शुरू होते ही मीटिंग में सभी को दिखलाया जाता है। इसी मंडली में मंत्री जी भी जुड़े हुए उनके द्वारा ली गई बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जहाँ पे एक तरफ जय सिन्हा का एक सौतेला बेटा है जिसका नाम साहिल है। साहिल दोस्तों बॉबी देओल है, जो इस फिल्म में बॉबी देओल साहिल के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म में शुरुआत दौर में साहिल सेना का रूप एक बहुत ही बिगड़ल इंसान के रूप में है और एक बहुत ही बिगड़ल लड़के के रूप में है। बता दे दोस्तों अनावश्यक व्यवहार है, जो आसानी से जाने वाला युवक बन जाता है, जो उससे नाराज रहता है, हमेशा अपने पिता से नाराज रहता है। एक साथ दोस्तों आपको बता दे जय सिन्हा की निजी सचिव ईश्वर दीवान की बेटी ईशा साहिल के प्यार में रहती है। इसके साथ वो लंबे समय के बाद फिर से कॉलेज में मिल जाता है क्योंकि ईशा को पिछले दिनों में बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था क्योंकि उन्हें प्यार हो गया था दोनों में और दोनों को अलग कर दिए गए थे। मेघनाथ की बेटी शीतल भी साहिल से प्यार करती है, लेकिन वह उसे केवल एक बहुत अच्छा दोस्त भी मानती है। इसी के साथ आपको बता दे जय सिन्हा ने शीतल को साहिल की सगाई की घोषणा कर दी एक पार्टी में, जिससे वो बहुत छिड़ गई और ये दोनों बाप बेटे बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाते हैं। आपको बता दे साहिल ईशा के लिए अपने प्यार की घोषणा करता है, जो असहमत होती है इस बात से और गुस्से में आकर साहिल जय सिन्हा को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ शारदा उसे रोक देती है इस कत्ल करने से। और अगले दिन साहिल सिन्हा के परिवार के डॉक्टर गांधी के घर पे नशे से धुत पाए जाते हैं, जो साहिल को शीतल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की सलाह देता है। आपको बतला दे ये तर्क देते हुए कि साहिल उसके साथ एक खुशहाल जीवन जिएगा, एक शराबी और अभी भी अडिक साहिल घर पर लौटता है इसी नशे में और अपने सदमे से पाता है। दोस्तों जब घर में आता है तो उसको पता चलता है कि उसके पिता को किसी ने चाकू मार दी है। दोस्तों जब आधी रात में घर पे पहुंचता है तो साहिल सिन्हा के पिता को किसी ने चाकू मार के वहां से भाग गया रहता है। अब उसके पिता मर जाते हैं, जबकि शारदा आती है और साहिल को अपने मृत सौतेले पिता के पास चाकू पकड़े हुए पाती है। उसे हत्यारा मान लेती है और साहिल को गिरफ्तार करवा लिया जाता है और आपको बतला दे अदालत ले जाया जाता है, जहाँ पे उसके कई जो है परिचित और शारदा के उसके खिलाफ जो है यानी कि गवाही देते हैं कोर्ट में। साहिल को दोषी पाया गया और उसे 14 साल के जेल की सजा सुनाई गई। साहिल को जेल ले जाने की ठीक पहले वह शीतल को एक हार सौंप देता है, जिसका अर्थ है कि इसे हत्यारे द्वारा घटनास्थल पर छोड़ दिया गया था। वो उसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है, उसे यह भी बताता है कि उसने किसी भी यानी कि कीमत पर असली हथियार को खोजने का फैसला किया है। आखिरकार उसे सिन्हा के प्यार का एहसास हो जाता है। जब सिन्हा के वसीयत को पढ़ता है तो साहिल को ये एहसास हो जाता है कि उसके पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। या दोस्तों आपने सही सुना। एक साथ आपको बता दें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे गुप्त मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप गुप्त फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर